चलो जी, सभी लोग आ जाओ जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, सभी लोग आ जाओ। आप सभी को याद होगा अच्छो, गुड इवनिंग, आप सभी को याद होगा कि हम लोग ऑलरेडी असेसमेंट प्रोसीजर के टॉपिक पे है। से यस, राइट। असेसमेंट प्रोसीजर का जो ये टॉपिक है ऑलमोस्ट हम लोग आधे से ज्यादा खत्म कर चुके हैं। एक बार बस क्विक रिकैप मैं आप लोगों को दे देता हूं। चलिए सेक्शन याद कराता हूं फटाफट, सेक्शन याद करा देता हूं आपको फटाफट। कौन सा सेक्शन था जी? सबसे पहले आपका जो सेक्शन आ रहा था बोलो कौन सा था? सेल्फ असेसमेंट टैक्स, क्या तुम्हें याद है कौन सा सेक्शन था मालिक? सेक्शन नंबर 140A, याद आ रहा है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे निकालते हो? आप अपनी इनकम को कंप्यूट करते हो, जो भी आपका फेयर बेसिस है उसके ऊपर आप टैक्स निकालते हो। टैक्स में से आपके जो चार क्रेडिट है वो माइनस कर देते हो। रट मत, आर रिलीफ, ए एडवांस टैक्स, टी टीडीएस, मैट और एएमटी क्रेडिट, ये चार चीजें आप माइनस कर देते हो और उसके बाद आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हो आप अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड फीस, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 143(1), याद है ना आपको? समरी असेसमेंट, हर रिटर्न जो भी आप फाइल करते हैं ये रिटर्न मैंडेटरीली समरी असेसमेंट के अंदर में जाता है। पांच एडजस्टमेंट समरी असेसमेंट के अंदर में होती है। अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, डिसअलाउंस ऑफ लॉस, डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन इफ रिटर्न इज फाइल आफ्टर द ड्यू डेट, एंड इंक्रीज इन इनकम और डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस एज मेंशन इन ऑडिट रिपोर्ट। क्या इंटीमेशन जनरेट होता है? यस। टाइम लिमिट क्या इंटीमेशन जनरेट होने का? 9 months, याद आ रहा है मालिक आपको, राइट। इसके बाद आप गए थे 142(1)(1), 142(1)(2), यस। क्या आएगी बेटा? इंफॉर्मेशन। कुछ लोगों को रिटर्न भरने बोलेंगे, कुछ लोगों से क्या मंगाएंगे बेटा? इंफॉर्मेशन। कुछ लोगों को रिटर्न भरने बोलेंगे, कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन आएगी, यस। इसके बाद हम लोग गए थे 142(2)(2)(a), दोबारा से ऑडिट, दैट इज स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट के अंदर का सेक्शन क्या था जरा याद करके देखो। क्या कोई भी केस में स्पेशल ऑडिट बोला जा सकता है? नहीं, सिर्फ 5 केसेस चाहिए स्पेशल ऑडिट के लिए। पहला, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, याद आ रहा है क्या मालिक आपको? इनमें स्पेशल ऑडिट बोला है। स्पेशल ऑडिट करेगा कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। नॉमिनेट कौन करेगा? पीसीआईटी, सीआईटी। एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, याद आ रहा है आपको? यस, जल्दी आ भाई। हाँ, वैल्यूएशन ऑफिसर, क्या वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया जा सकता है? यस, रेफरेंस दिया जा सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी। टाइम लिमिट बताओ कितने दिन में देगा वो? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड, यस। इसके बाद में हम गए थे 143(2) के ऊपर, 143(2), यस, नोटिस। एओ को जब भी ये असेस करना हो दैट इनकम इज नॉट अंडरस्टेटेड, लॉस इज नॉट ओवरस्टेटेड एंड टैक्स इज नॉट अंडरपेड, तो वो क्या कर सकता है? आपको नोटिस देकर के स्पेसिफाइड डे पे बुला सकता है। 143(2) का सोल ऑब्जेक्टिव है आपको किसी पर्टिकुलर डे पे बुलाना, याद आ रहा है। इसके बाद में आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट होगी 143(3) के अंदर में। 143(3) के कितने पार्ट थे? 3, याद कर दो। एक जनरल, जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे या तो आपका टोटल इनकम या टोटल लॉस या रिफंड निकालना, यानी क्या 143 में इनकम बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है मेरे दोस्त? यस, बिल्कुल हो सकती है, याद आ रहा है तुमको? अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा पॉइंट, एओ जब भी ऐसे ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट करता रहेगा जिनको सेक्शन 10 में एग्जम्पशन मिल रहा है, ही विल डू द असेसमेंट और ही विल कंप्लीट द असेसमेंट ओनली आफ्टर गिविंग द एग्जम्पशन। हालांकि अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट है जो 1023(c) में कवर्ड है, अमेंडमेंट था, याद है ना, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है आप 1023(c) में कवर्ड है या सेक्शन 11 के अंदर में कवर्ड है, अब अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावेंशन देखते हैं आप सीआईटी को बताएंगे और तब तक आप असेसमेंट होल्ड पर डाल देंगे जब तक कि उनकी तरफ से ऑर्डर मिलता नहीं, याद आ रहा है मालिक आपको? ये अमेंडमेंट था, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, यस, 144, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या था मेरे भाई, याद करके बताओ? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या था, याद करके बताओ? यस, कुछ केसेस में मैंडेटरी, कुछ केसेस में ऑप्शनल। मैंडेटरी है कहां कहां? अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने 142(1) का कंप्लायंस नहीं किया, आपने 143(2) का कंप्लायंस नहीं किया, आपने स्पेशल ऑडिट करवाया नहीं, तो आपके ऊपर मैंडेटरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अदरवाइज ऑप्शनल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट को कंप्लीट करने का टाइम 153(1) में लिखा है, दैट इज
Nine months from the end of relevant assessment year. Ahu. Yes. तो यहां तक के हम लोगों ने कर दिया था. फिर अगर आपको याद हो तो हम गए थे GKN ड्राइव शाफ्ट का केस पढ़ने के लिए. यस, हमने 147 की सीरीज को पढ़ना कैसे है वो लॉजिक बताया था. कुछ और छोटे मोटे सेक्शन भी हमने पढ़े थे, जैसे 292B, 292BB, जो डिपार्टमेंट को फेवर करते हैं, नोटिस से रिलेटेड. यस और नो? राइट. आज हम लोगों का पहला टारगेट है 147 से लेके 153 की सीरीज को खत्म करना. कल हम लोगों ने सबसे पहले आपको लिखा दिया था कि इसको किस सीक्वेंस में पढ़ना है. देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ GKN ड्राइव शाफ्ट, वो जो बताता था इस सेक्शन को पढ़ना किस सीक्वेंस में है. तो पहला सेक्शन जो इस सीक्वेंस के अंदर में पढ़ना है वो है सेक्शन 151 अप्रूवल. पहला सेक्शन क्या पढ़ना है? 151 अप्रूवल. अब 147 के लिए अप्रूवल किसकी लेनी पड़ती? चलो पहले इधर आओ, दो मिनट में सेक्शन समझ लो, उसके बाद नीचे जाके पढ़ेंगे. अब अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, 147 की, कि भैया किस कौन है वो व्यक्ति जिससे आपको अप्रूवल लेने की जरूरत है. सेक्शन 151 सैंक्शंस की बात करता है. सेक्शन 151 किसकी बात करता है? सैंक्शंस. देखिए मेरी एक बात सुनिए, 2021 में 147 में बहुत बड़े अमेंडमेंट आए, ठीक है. इसके पहले क्या होता था और इसके बाद क्या होता था, एक मिनट के लिए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं. प्रायर टू 2021, ठीक है, एंड 2021 ऑनवर्ड्स, ये समझ जाओगे तो सेक्शन 51 का कोर बेस समझ में आ जाएगा. प्रायर टू 2021 जो सेक्शन 147 का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, क्या इसे मैं रीअसेसमेंट भी कह सकता हूं? क्या फर्स्ट टाइम असेसमेंट 147 में हो सकता है? क्या 143 के बाद 147 हो सकता है? क्या 147 के बाद 147 हो सकता है? क्या 144 के बाद 147 हो सकता है? यस, याद आ रहा है मालिक तुम लोगों को, राइट. पहले क्या होता था, 147 का असेसमेंट करना है तो हम जनरली 4 साल तक कभी भी नोटिस इशू कर सकते थे. मतलब द टाइम लिमिट वॉज 4 ईयर्स. इसका मीनिंग समझते हैं. मान लीजिए असेसमेंट ईयर 18-19 का मैटर है, राइट. रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इज 18-19. तो इस ईयर की जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है वो अगले 4 साल 20, 21, 22, 23, राइट, 31 मार्च 2023 तक के कभी भी इसको नोटिस इशू किया जा सकता था इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का. असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट नहीं था, ये नोटिस भेजने का टाइम लिमिट था कि 4 साल में हम कभी भी इसको क्या भेज सकते हैं, नोटिस टू ओपन असेसमेंट अंडर सेक्शन 147. 147 कोई असेसमेंट नहीं है, 147 सिर्फ एक पावर है टू ओपन द असेसमेंट. तो हम 4 साल में कभी भी नोटिस भेज सकते थे. और अगर आपकी इनकम जो है एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जाती थी तो हम इस 4 साल के जगह कितना कर सकते थे, 6 ईयर्स कर सकते थे. मतलब यहां पे दो ही पैरामीटर हुआ करते थे, 4 साल और 6 साल. क्लियर है? वो भी अगर इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर गई तो. खैर अब तो वो स्पेसिफाइड लिमिट वगैरह चेंज हो गई है. अब ध्यान से सुनिए क्या हो गया है. 2021 से इस टाइम लिमिट को रिड्यूस करके 3 ईयर्स कर दिया गया है. मतलब पहली चीज जो ही है, 147 के लिए जो टाइम लिमिट है वो रिड्यूस कर दिया गया है. मतलब अब आप 147 का नोटिस ओनली विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर दे सकते हो. दूसरी चीज अगर मैटर जो एस्केप्ड इनकम है या एक्सपेंडिचर है विच इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट्स, ये अगर 50 लाख से ऊपर है तो इस 3 ईयर्स के जगह कितना ईयर्स कर, 6 के जगह कितना ईयर्स कर दिया गया, 10. तो जनरल पैरामीटर जो 4 और 6 के थे इसको 3 और 10 कर दिया गया है. 3 इन जनरल केसेस, 3 इन जनरल केसेस एंड 10 इन जहां पे इनकम या एक्सपेंडिचर एक लिमिट के ऊपर जा रहा है एंड द लिमिट इज 50 लाख, जो अब हम पढ़ेंगे. अब ठीक इसी बेसिस पे आपके नोटिस भी इशू होंगे. पहले 3 ईयर्स तक के, अगर आपको पहले 3 ईयर्स तक के असेसमेंट करने हैं, आपको सीआईटी का अप्रूवल लेना होता है. सेक्शन पढ़ रहे हैं हम, सेक्शन 151. सेक्शन 151 बताता है अगर आपको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ओपन करनी है तो पहले क्या लेना है, अप्रूवल. पहले 3 साल का नोटिस अगर आपको इश्यू करना है आप सीआईटी का अप्रूवल ले लीजिए. 3 साल के ऊपर अगर आपको जाना है आपको सीसीआईटी के पास जाना पड़ेगा. सीधे शब्द क्लियर है? Yes. तो पहले 3 साल का मैटर है, 3 साल के अंदर में आपको कभी भी नोटिस इशू करना है आप सीआईटी के पास जाइए. सीआईटी के पास जाके अप्रूवल लेके आइए कि मेरे को इस एसएससी का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है. 3 साल के ऊपर का आप कभी भी केस ओपन करना चाहते हैं तो आपको सीसीआईटी का अप्रूवल लेके आना है. यह सीधी बात है. यस, आइए सेक्शन 151 पेज नंबर 9. सेक्शन 151 पेज नंबर 9. इफ 3 ईयर्स और लेस देन 3 ईयर्स हैज बीन इलैप्स्ड फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, पीसीआईटी
सीआईटी डीआईटी, सीधे शब्दों में कमिश्नर लेवल. यस, 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स देन सीसीआईटी डीजीआईटी. सीधे शब्द में बोलो ना महाराज, पहले 3 साल तक के सीआईटी लेवल और 3 साल के ऊपर सीसीआईटी लेवल से अप्रूवल आपको चाहिए. क्लियर है मालिक? तो जाओ सबसे पहला सेक्शन लिखो रजिस्टर के अंदर में, सेक्शन 151. सेक्शन 151 अप्रूवल फॉर रीअसेसमेंट. For up to 3 years, CIT, DIT, principal CIT. 3 years or beyond, CCIT. CCIT की बात कौन था बेटा? DGIT, principal सीसीआईटी. पहले ले लो अप्रूवल. पहले ले लो अप्रूवल. देने मालिक, अब ये 3 इयर्स और बियॉन्ड 3 इयर्स मतलब मैक्सिमम कितने इयर्स? अप टू 10 इयर्स. लॉजिक समझ में आ रहा है? यस. सो ये हुआ सेक्शन 151. ये हुआ आपका सेक्शन 151. सेक्शन 151 के बाद अब ध्यान से सुनिए. हाँ जी, हाँ जी, आते जाओ आते जाओ आते जाओ, रुको मत. तो पहला हो गया 151. 151 के अंदर में आपको क्या दिया गया बेटा? अप्रूवल्स दिए गए. अब अप्रूवल्स के बाद नेक्स्ट चीज जो आती है सीरीज की, कौन सी थी जरा जाकर के देखो. नेक्स्ट सेक्शन 151 के बाद जाके क्या पढ़ना? 149 आपको बताता है कि नोटिस कब तक इशू किया जा सकता है. मैंने तो टाइम लिमिट बता दी आपको, जल्दी बताओ टाइम लिमिट कितनी है? 3 इयर्स, 10 इयर्स, ऐसी 2 टाइम लिमिट दी है. पहले क्या हुआ करता था? 4 और 6. ये जो टाइम लिमिट वाला पार्ट है, मैं यहां पे जानबूझ के थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, कंफर्म है क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आएगा आपको. ठीक है, ध्यान से सुनना. अब चलते हैं 149 के ऊपर. टाइम लिमिट, अगर तुम टाइम लिमिट देखोगे पेज नंबर 4.8, अगर तुम टाइम लिमिट देखोगे तो इन जनरल टाइम लिमिट क्या है? इन जनरल नो नोटिस कैन बी इशूड इफ 3 इयर्स हैज बीन इलैप्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. अगर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 3 इयर्स के बियॉन्ड हो चुका है तो आप आज 148 का नोटिस इशू नहीं कर सकते. मेरा बच्चा, मेरे लाल, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना. आप नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट दे रहे हो, 147 को कंप्लीट करने का नहीं. ये सिर्फ केस ओपन करने का टाइम लिमिट है, क्योंकि आप कब तक नोटिस भेज करके केस ओपन कर सकते हैं. ठीक है, असेसमेंट का टाइम लिमिट अलग है, 3 साल तक के आप कभी भी नोटिस दे सकते हो. यहां भी अमेंडमेंट आया है, 149 में भी अमेंडमेंट आया. जरा ध्यान से सुनना, ये चैप्टर का आई गेस हम पहला अमेंडमेंट डील कर रहे हैं. असेसमेंट चैप्टर का हम पहला अमेंडमेंट डील कर रहे हैं. वेयर द एओ हैज एविडेंस इन हिज पोजेशन विच रिवील्स दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट और एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन एनी ओकेजन और इवेंट ऑफ एन अमाउंट और लाइकली टू अमाउंट 50 लाख और मोर. अगर एओ के पास ये प्रूफ है, ये एविडेंस है कि आपकी जो भी इनकम एस्केप हुई है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट. Why it is used the word represented in the form of asset? वो इसलिए क्योंकि कोई भी आदमी ना कैश नहीं रखता. वो जनरली क्या करता है, कैश से कोई असेट में कन्वर्ट कर लेता है. या तो वो क्या करेगा, उसके पास अगर कोई ब्लैक मनी पड़ा है, वो क्या करेगा 99% ऑफ द टाइम पहले वो रियल एस्टेट में डालेगा. क्योंकि रियल एस्टेट में जितना कैश खपता है उतना किसी मार्केट में नहीं खप सकता, ये याद रखना. सर क्यों? क्योंकि देखो रियल एस्टेट में क्या होता है, रियल एस्टेट में हिसाब किताब के कैलकुलेशंस के बहुत लफड़े होते हैं. क्योंकि उसमें दिहाड़ी लेबर वर्क करते हैं जिनको कैश पेमेंट ही लगता है. तो क्या करते हैं, बिल्डर कैश एक्सेप्ट कर लेता है और ये कैश को कई जगह पे वो खर्चा करता है. जैसे सीमेंट की बोरियां ले ली,
यस एडवर्टीजमेंट्स करवा दिया, लेबर पेमेंट करवा दिया, रेती मंगा दी, गिट्टी मंगा दी, क्योंकि जो रेती भी आती है उसको भी ब्लैक में परचेज करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो ब्लैक यूज करके ब्लैक में इन्वेस्ट होता है, जो ईट भट्टी आती है, जो सीमेंट आता है, ये भी क्या होता है, जब कैश पेमेंट करते हैं तो बड़े इजीली मिल जाता है, तो वो क्या करता है, ब्लैक में करता है। दूसरा गोल्ड परचेस, गोल्ड या एसेट्स परचेस कर लेता है, राइट, आदमी के पास कैश पड़ा है। देखिए गए वो जमाने जब आदमी क्या करता था, अपने घर के अंदर में बक्सों में भर के कैश रखता था, जमाने गए। बहुत तरीके हैं जिसमें आज वो कैश इन्वेस्ट कर देता है, यस। उसके बाद में डब्बा ट्रेडिंग होती है, डब्बा ट्रेडिंग समझता है आप लोगों को क्या होता है। देखिए स्टॉक मार्केट दो तरीके से वर्क करता है, एक जहां पे आप पूरा लीगल पैसा लगा के डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हो, दूसरा होता है डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है, भरोसे का मैटर होता है टोटली। अब जैसे डब्बा खेलता होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा देख भाई रिलायंस का बाकी पूरा प्राइस ये वो सब ऑनलाइन मार्केट के हिसाब से चलता है, लेकिन यूज होता है प्योर ब्लैक मनी। मैं इसके पास जाकर के बोलूंगा इन शॉर्ट सट्टा खेलना है, लोकल ट्रेडर के पास खेलो या ड्रीम इलेवन पे खेलो, दोनों में डिफरेंस क्या है, है सट्टा ही दोनों में, पर ड्रीम इलेवन में आपका ऑनलाइन पैसा लगेगा, आपको ऑनलाइन पैसा मिलेगा। नॉर्मल रेगुलर सट्टे वाले के पास क्या होगा, कैश लगेगा और कैश मिलेगा, बस यही डिफरेंस। इसको हम डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। कौन सा ट्रेडिंग बोलते हैं मालिक, डब्बा ट्रेडिंग। अब कोई कैश रखता नहीं, वो काहे में कन्वर्ट कर देता, एसेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता। और अगर आप देखेंगे एसेट एक वाइड वर्ड है, इनफैक्ट कैश भी उसी में आ गई, बात समझना मालिक, कैश एक वाइड वर्ड है, एसेट एक वाइड वर्ड है, कैश भी उसमें आ गई। सो इधर इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट और इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो इस साल से ऐड किया, एक्सपेंडिचर ऑन एन ओकेजन और इवेंट। क्या बेहतरीन काम किया है लिखने वाले ने, क्या बेहतरीन काम किया, पूछो कैसे, पूछो ना कैसे। आदमी के मेन इवेंट क्या होते हैं लाइफ के, मेरे को आप बताओ, एक उसकी शादी, सोचते जाओ, ठीक है, एक शादी, दूसरा बच्चा, ठीक है, बच्चे का बर्थडे, खुद की एनिवर्सरी, मम्मी पापा का कोई शादी का इवेंट, जन्म मृत्यु वाले इवेंट, बात समझना। आदमी सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्चा करता है आपके हिसाब से, शादी, क्योंकि जितना ब्लैक मनी है, देख मां बाप को कोई प्यार नहीं है तेरे से, मेरी बात समझ, कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं है तेरे से, पर हां क्योंकि क्या होता है, अपने समाज में इतने जगह गए हो, क्योंकि देखो क्या होता है, बींग अ यंगस्टर हमारे मन में क्या होता है, क्यों इतने तामझाम करने के, दो साइन मारो काम खत्म करो। हमारे माँ बाप को आप ये बोल के देखो गाली खाएंगे, यस, तुमको क्या करना है, गए हो खाने के लिए तो लोगों के आप उनको खिलाना भी तो पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट डायलॉग दे यूज, गए हो तो उनको खिलाना पड़ेगा, अरे तुम गए हम थोड़ी गए, बट लोग तो ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ब्रो तुम्हें को एक बात बता। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, ये एक सोसाइटी में रहते हैं जहां पे यही कुछ तरीके होते हैं जिससे पूरा फैमिली गेट टुगेदर होता है। अब यहां पे भयानक खर्चा होता है, आप देखिएगा शादी या इवेंट ऐसी जगह होती है या कोई ओकेजन ऐसी जगह होती है जहां पे भरपूर पैसा खर्चा होता है, 99% ऑफ द टाइम ये पैसा पूरा का पूरा कायम खर्चा होता है कैश, पूरा मतलब लिफाफे के भी लेन देन जो होते हैं वो कैश में होते हैं। तुमने गूगल पे लाया इंडिया में फेल है वो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिज, समझ में आ रही बात, स्पेशली वेन इट कम्स टू मैरिज एंड थिक फैट मैरिज ऑफ मारवाड़ी गुजराती अग्रवाल्स, स्पेशली द मारवाड़ीज, राइट, थिक फैट मैरिज। यहां पे हमारा मैरिज नहीं होता, उसको 5 दिन के फंक्शन बोलते हैं हमारे यहाँ, यस yes, अभी जैसे मैं मारवाड़ी हूं, मेरे को मालूम है अभी मैं 3 दिन के लिए नहीं हूं, जैसे मैंने आपको बताया कल से मैं 3 दिन के लिए अवेलेबल नहीं हूं, राइट, मैं मेरे मामा के लड़के की शादी में जा रहा हूं, सर 4 दिन हो गए फंक्शन चालू और आगे 4 दिन फंक्शन है, इसको शादी काहे को बोलते हैं, समाज कल्याण बोलो ना इसको, इतना बड़ा इवेंट को यार आप कैसे हैंडल करोगे, आप मेरे को एक बात बताओ। तो इतनी थिक वेडिंग में अब आपको क्या लगता है पैसा क्या लग रहा होगा, प्योरली कैश, सोना खरीदना है कैश, कोई भी चीज यहां पे कैश के फॉर्म में ही होती है, इसीलिए उनको समझ में आ गया, उन्होंने दूसरा वर्ड क्या यूज किया, एक्सपेंडिचर। क्योंकि क्या होता था, देखिए जब रेड मारने जाते थे ना बहुत जगह पे, तो वो आदमी क्या बोलता था, मैंने कमाया है ना, क्योंकि ट्रेस मिल जाता था कमाया है, वो क्या बोलता था, लेकिन मेरा खर्चा हो गया। अब लॉ में इस खर्चे को भी कंसिडर करके रीअसेसमेंट करना, क्योंकि ब्रो खर्चा हुआ है तो इनकम कहीं से तो आई होगी, खर्चा हुआ है तो इनकम कहीं से तो आई होगी, इनकम टैक्स उल्टा लॉजिक लगाता है कि अगर खर्चा हुए है तो इनकम कहीं से तो आई होगी। सर्च भी जब होती है ना आपके घर पे, आपके घर पे आप देखिएगा ड्राइंग मिलती है, पेंटिंग्स मिलती है, राइट, ड्राइंग मिलती है, पेंटिंग्स मिलती है, इनकम टैक्स उल्टा दिमाग लगाता है, बेटा खर्चा हुआ है मतलब इनकम कहीं से तो आई होगी। दया, आपने कभी वो CID वाले सीरियल देखे थे बचपन में, यस, दया, अगर कुएं से लाश मिली है इसका मतलब लाश गिल्ली होगी
हैव यू सीन दोस लॉजिक, कुएं से लॉश मिली है इसका मतलब लॉश गिल्ली होगी, मतलब खर्चा अगर हुआ है तो इनकम कहीं से तो आई होगी तभी जाके खर्चा हुआ है। इनको लॉ में अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, सेक्शन 69 में टैक्स होता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो आपने किए लेकिन आप उसको डिफाइन कर पाए नहीं, ऐसे खर्चों को हम अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के अंदर में ट्रीट कर लेते हैं। नाउ इनके लिए बोला गया, दूसरा वर्ड ऐड किया गया, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू एन इवेंट, कोई इवेंट में आपने खर्चा किया ये एओ को ट्रेस हो गया, कोई ओकेजन में आपने खर्चा किया उसके अंदर में ट्रेस हो गया, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स, कोई इवेंट जैसे आपने आईपीएल में खर्चा किया वो भी ऐसे एंटिटी तो है। अभी बताइए अंबानी साहब के बेटे की शादी हो रही है राइट, आपको क्या लगता है इज इट एन इवेंट और ओकेजन और नॉट? अगर एओ को ट्रेस करना होगा अब वो एसेट्स के बेसिस पे तो नहीं करेगा पर एक्सपेंडिचर के बेसिस पे तो ट्रैक कर पाएगा। पहले ये वर्ड ही नहीं थे, ये पावर ही नहीं थे, इस साल से एक्सपेंडिचर से भी ट्रेसिंग शुरू हो गई 147 की राइट। और इसका अमाउंट कितने लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए बेटा? 50 लाख, लाइटली टू अमाउंट 50 लाख और मोर। तो अगर आपने एओ के पास एविडेंस है पोजेशन में कि इनकम जो एस्केप हुई है These are represented either in the form of asset या फिर उसको क्या कर दिया गया है expend, और उसका अमाउंट कितने है 50 लाख और मोर, तो 3 years के ऊपर भी आप नोटिस दे सकते हो, मैक्सिमम अप टू 10 years। यस आइए जरा सेक्शन 149 टाइम लिमिट टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 जनरली नोटिस कैन बी इश्यूड नॉट बियॉन्ड 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। बच्चा है देवेश, वो बोल रहा है सर आप मेरे आइडल है और मैं 10th में हूं, क्या मैंने सीए परस्यू करना चाहिए? भाई आजा, बहुत स्कोप है। पर मैं एक बात बोलूं बेटा तेरे को, मतलब आजा सच में स्कोप बहुत है, पर मैं एक बात बोलूं, जी ले। यहां जितने बच्चे बैठे ना फाइनल में सब मेरी बात पे अगली करेंगे, अगले 2 स्टेटमेंट पे अगले 2 साल ना बेटा जी खा ले, सो ले, ठीक है, अच्छा घूम, अलग अलग जगह जा, नेचर को देख, आंखें ठंडी कर, एफसी रोड पे घूम, समझ आ रहा है? थोड़ा मन को शांति दे, ना आना इस देश लाडो, अभी मत आ जीवन में, ये बहुत अर्ली स्टेज है तेरा, तूने ड्रीम रखा है बहुत अच्छी बात है, वी रिस्पेक्ट यू, पर जी ले, क्योंकि उसके आगे ना अच्छा संडे है, एंजॉय कर, आराम से सुबह उठ, वीडियो गेम्स खेल, समझ में आ रहा? तू अगर लड़की शॉपिंग कर, उसके बाद ना ये सब कुछ नहीं होता, उसके बाद मतलब अभी घूम, परिवार वालों से मिल, परिवार को लगने दे तू उनके घर का हिस्सा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तू सिर्फ सोने के लिए आता है क्योंकि लाइफ बाद में ऐसी हो जानी है। तो अभी तू 10th में है, तू थोड़ा सा एंजॉय कर, लाइफ बहुत बड़ी है, तू थोड़ा प्रोसेस को एंजॉय कर, अभी जीवन के प्रोसेस को एंजॉय कर। ये लोग भी आए थे, इनको भी कभी किसी ने कहा था बहुत स्कोप है स्कोप है बट लाइफ खत्म है बराबर है ना, लाइफ खत्म है, तो तू थोड़ा एंजॉय कर ले, उसके बाद में आ। और याद रख हम 11 से है ही, एकत्वम अकेडमी 11 से है, ज्वाइन कर, कोई तकलीफ नहीं है, बट अभी 2 साल ना थोड़ा जी ले, पटा लड़की पटा लड़का पटा जो भी है, हर एक्सपीरियंस ले, क्योंकि बाद में पता है क्या होता है, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, एंड यू से सच में नहीं है, बाद में टाइम ही रोने की है। यस बात इसकी नहीं है कि हम आशिक नहीं है, बात इसकी है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है आशिकी के लिए, बराबर है कि नहीं है? इसीलिए आप देखोगे हमारे यहाँ के जो मैक्सिमम लड़के लड़के हैं वो अखंड सिंगल चल रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड अखंड सिंगल, समझ में आ रही है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड अखंड, यहाँ पे कई लोग अखंड सिंगल में चल रहे हैं। तू अभी जी लाइफ को, थोड़ा सा एंजॉय कर और थोड़ा चिल मार लाइफ में, ठीक है, बाद में आना, विल डिस्कस। आ बेटा आगे, जनरली कितने था, नॉट बियॉन्ड 3 years। यस इफ इफ एओ हैज एविडेंस विच सजेस्ट इनकम
has escaped assessment, represented in the form of, बोल बेटा, assets, इस साल का नया एडिशन, expenses, expenditure on event or occasion, amounts to 50 lakh or more. Notice can be issued up to 10 assessment year. अच्छा, क्या दसों साल के आएंगे या सिर्फ जिस साल में इनकम एस्केप हुई है उसी साल का नोटिस दिया जाएगा? दिल क्या कहता है तुम्हारा? लॉ बनाओ, जिस साल का इनकम एस्केप हुआ है सिर्फ उस साल का नोटिस आएगा या सारे 10 ईयर के आएंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट, जिस साल का इनकम एस्केप हुआ है उस साल। ये पावर है कि तुम कितने साल के लिए खोल सकते हो, खोलना कौन से ईयर का है ये वो डिसाइड करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डन है जी? अच्छा, एक और बात सुनो। अब देखिए हुआ क्या, ये लॉ जैसे ही आया इसमें एक इशू अराइज हुआ। इशू कैसे वो समझना, दो मिनट पेन रोक लेना। इशू समझना कैसे अराइज हुआ। सपोज कोई रेलेवेंट असेसमेंट ईयर था आपका 14-15, ठीक है, इसका इनकम एस्केप्ड असेसमेंट सपोज था 60 लाख, एओ के पास एविडेंस भी है, सबे ऑल अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब आपको पता है ये जो लॉ अमेंड हुआ है 4-6 ईयर्स के जगह 3 और 10 ईयर्स का, दिस इज डन इन 2021, हाँ या ना? दिस इज डन इन 2021। अब इशू क्या था जरा ये समझिए। इशू ये था कि अगर मैं ओल्ड लॉ के हिसाब से जाऊं तो मैक्सिमम 6 साल में नोटिस इशू हो जाना चाहिए था। मैक्सिमम 6 साल में नोटिस का मतलब क्या, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, लास्ट डे ऑफ इशूइंग द नोटिस वॉज 31 मार्च 2021। अब ये लॉ अमेंड हो गया और नए लॉ के हिसाब से इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख के ऊपर है, एओ के पास एविडेंस भी है, अब ये कब तक के इशू हो सकता है? सोचो, 2025। अरे यस और नो? अब थोड़ा सा सोच के देखिए कहां गड़बड़ होगी। गड़बड़ कहां होगी, 14-15 का अगर केस है जिसका इनकम एस्केप हुआ होगा, गड़बड़ कहां होगी? उसका टाइम लिमिट ओल्ड लॉ के हिसाब से तो खत्म हो गया था। अब आपने लॉ अमेंड कर दिया, अब आप उसको नोटिस भेजोगे, एसएससी क्या बोलेगा, ये मैं तो अग्रीव्ड हो गया। मतलब ऐसे तो कल चल के तुम लॉ अमेंड करोगे, 15 साल पुराना केस ओपन करने बोलोगे तो मैं थोड़ी नहीं करते बैठूंगा, आप समझिएगा मेरे भाई। वो क्या बोलेगा, भाई मेरा टाइम लिमिट ओल्ड लॉ के हिसाब से खत्म हो चुका था, हाउ डेयर यू कैन सेंड मी अ नोटिस एज पर द न्यू लॉ। ऐसे चल के मतलब ऐसा तो ये हो गया कि आज मैं लॉ को कंप्लाई कर रहा हूं, कल चल के तुमने लॉ चेंज कर दिया, तो इसका मतलब मैंने जो पहले किया था वो गुनाह था। ये सुनो, वो अग्रीड हुआ कि नहीं हुआ बाप बताओ? पुराने लॉ के हिसाब से उसका टाइम लिमिट खत्म हो चुका था, अब नया लॉ आया 6 साल के जगह 10 साल तक आप नोटिस इशू कर सकते हो, पर इस चक्कर में उसके तो जो असेसमेंट नहीं भी ओपन होने थे उसके तो वो भी असेसमेंट ओपन हो गए। ये सुनो, ऐसे केस में लॉ ने इस पॉइंट को समझा और एक एक्सेप्शन ऐड किया। एक्सेप्शन ऐड करके कहा, अगर ओल्ड लॉ के हिसाब से तुम्हारा टाइम लिमिट खत्म हो चुका है तो न्यू लॉ के हिसाब से नोटिस इशू हो सकता नहीं। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन 1149। क्या बोला उन्होंने, अगर ओल्ड लॉ के हिसाब से तुम्हारा टाइम लिमिट खत्म हो चुका है तो न्यू लॉ जो अमेंडेड लॉ है उसके हिसाब से तुम नोटिस भेज सकते नहीं। हाँ, अगर उसका टाइम लिमिट बचा होगा तो तब तो भेज दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो वैलिड अमेंडमेंट है। अग्रीव्ड वो तब होगा जब उसका टाइम लिमिट खत्म हो चुका था और तुम नोटिस अब भेज रहे हो टाइम लिमिट नए लॉ के हिसाब से। अगर उसका टाइम लिमिट ऑलरेडी बचा हुआ था, फॉर एग्जांपल केस है 2021 का, 3 साल तक के कभी भी नोटिस इशू किया जा सकता था, पहले के हिसाब से 4 साल, अब भी 3 साल के हिसाब से नोटिस आप भेज सकते हो, यस, 10 साल तक के भी भेज सकते हो, यस, टाइम लिमिट बचा है। समझ आ रही है बात? सो इसी के नीचे एक नोट डालिएगा और फिर एग्जांपल लिखिएगा। नोट, इफ टाइम लिमिट टू सेंड द नोटिस
is already exhausted as per old provisions. Fresh notice cannot be issued owing. Fresh notice cannot be issued as per new law amended. सर बच्चों को क्या पता नहीं था क्या? टाइम लिमिट नहीं पता था क्या? टाइम कितने बजे चालू हो रहा है ये नहीं पता था क्या? इंटर के लिए बोला था वो? अच्छा नहीं 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 बट डोंट वरी, पहला वाला पार्ट एक ही सेक्शन हुआ था इसके पहले, सो और वो भी इजी है, वो भी इजी. इज इट डन? इसके नीचे एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल भी लिख लो. रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 14-15, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 60 लाख. एज पर द ओल्ड लॉ, एज पर द ओल्ड लॉ, नोटिस कैन बी इशूड फॉर अप टू 6 असेसमेंट ईयर. एज पर न्यू लॉ, नोटिस कैन बी इशूड अप टू 10 ईयर्स. तो क्या 2022-23 में नोटिस इशू किया जा सकता है? नो, क्योंकि ओल्ड लॉ के हिसाब से टाइम लिमिट क्या हो चुका है? खत्म. तो अगर ओल्ड लॉ के हिसाब से टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, न्यू लॉ के हिसाब से आप क्या नहीं कर सकते? नोटिस सेंड कर सकते नहीं. दिस इज द ओनली एक्सेप्शन विच इज अवेलेबल. टेन जी माल को आ जाओ इधर. सेक्शन 149, ठीक है. सपोज कर लो, इधर देखिए एक एग्जांपल. ए हैज अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ 10 करोड़ फॉर द असेसमेंट ईयर 12-13. अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन नोटिस कैन बी रीओपन और कुड हैव बीन इशूड मैक्स अप टू 2019, मतलब 6 इयर्स, 2013 से लेकर 2019. Under the new scheme of assessment, notice can be issued up to 10 years if the income escaping assessment is 50 lakh or more. So, as per new provision, the notice can be issued up to 2023. However, due to the first proviso to section 149(1), the notice under 148 cannot be issued since the time limit of 6 years prescribed under the existing provision has already expired. Samajh mein aayi Malik? Chalo ji. Yahan pe uska example bhi diya hai. Aap example check kar sakte hai. Yes? आ जाओ जी. सो पहला हमने पढ़ा सेक्शन 151. सेक्शन 151 बोलता है पहले 3 साल तक का केस ओपन करना है, सीआईटी से अप्रूवल लो. 3 साल के बियॉन्ड कोई भी केस ओपन करना है, सीसीआईटी से अप्रूवल ले लो. ये था सेक्शन 151. सेक्शन 149 बोलता है नोटिस कब तक के इशू कर सकते हैं. जनरली 3 साल तक हम असेसमेंट का नोटिस कभी भी भेज सकते हैं. तो आप मुझे बताइए, अगर मेरा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 17-18 है तो मैं कब तक के नोटिस इशू कर सकता हूँ? लास्ट डेट 2019, 2020, 2021. लास्ट डेट बन गया 31 मार्च 2021. समझ में आ रही है बात? तो मैक्स 3 साल तक के हम नोटिस इशू कर सकते हैं रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के हिसाब से. हालांकि अगर आपकी एस्केप्ड इनकम, एओ के पास एविडेंस है कि आपकी एस्केप्ड इनकम 50 लाख से ऊपर है, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट और एक्सपेंडिचर, तो आप क्या कर सकते हो? 10 साल तक के कभी भी नोटिस इशू कर सकते हो. याद रखे, ये असेसमेंट ओपन करने के लिए टाइम लिमिट है. अब तक असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट हमने देखा नहीं. क्लियर है? अच्छा, अब होता क्या है जरा समझिए. कई बार ऐसा होता है, मैं तीसरे सेक्शन पे जंप कर रहा हूं,
राइट, 149 को देखो ऑब्लिक करके हमने 150 लिखा है कल के लिस्ट में, यस yes, अब मैं 150 पे जंप कर रहा हूं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई असेसी कई अलग अलग सिचुएशंस में अटक जाते हैं, जैसे ईडी में फंस गया, कोई फेमा में फंस गया, कोई कोर्ट में असेसमेंट में फंस गया, ऐसे कई अलग अलग अथॉरिटीज के साथ फंस जाते हैं। अब ऐसे केस में कई बार कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अदर अथॉरिटीज क्या कर देती है, ऑर्डर दे देती है कि इस आदमी का इस ईयर का असेसमेंट फिर से करो, इसने कहीं ना कहीं क्या किया है, घपला किया है, इसका असेसमेंट फिर से करो। अब जरा सोच के देखिए, बात कोर्ट की है, कोर्ट में आपको सनी पाजी का तो डायलॉग याद ही होगा, तारीख पे तारीख, मतलब कई सालों तक के केस चल सकता है। अब सोच के देख, सपोज कर 8 साल बाद केस ओपन हुआ, कोर्ट ने बोला कि भैया इसका इनकम फिर से रीअसेस किया जाए, उसके घर पे रेड पड़ी थी और कई चीजें मिली थी, मैटर कोर्ट तक के गया, ईडी पे गया, फेमा पे गया, मनी लॉन्ड्रिंग में गया, और कई सालों बाद केस पकड़ा जाता है। जब केस पकड़ा जाता है पता चलता है ये पर्टिकुलर फलाना फलाना ईयर की इनकम है। अब वो अथॉरिटी बोलती है भैया अगर इसने यहां गड़बड़ किया है मतलब इसने इनकम टैक्स में भी गड़बड़ किया है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलती है कि भैया आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, नोटिस दीजिए, आप क्या कीजिए, नोटिस दीजिए और असेसमेंट कीजिए। पर अब थॉट देके देखो, असेसमेंट करने का टाइम लिमिट मैक्सिमम कितना था, 3 ईयर्स। अगर एस्केप्ड इनकम 50 लाख के ऊपर हुई वो तो चेक करके पता चलेगा, यहां तो सीधा कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इसकी इनकम क्या करो असेस, मैक्स 3 साल तक के नोटिस इशू कर सकते थे, 10 साल तक के नोटिस इशू हो सकता था नहीं। अब क्या, कोर्ट का ऑर्डर। ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया दैट देर आर सर्टन सर्कम यू नो सर्कमस्टांसेस वेर इन इट विल बी रिक्वायर्ड कि इसको विदाउट टाइम लिमिट कभी भी किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अदर अथॉरिटी के ऑर्डर से क्या किया जाए, ओपन किया जाए। तब जाके एक सेक्शन को इंसर्ट किया गया, सेक्शन 150। सेक्शन 150 कहता है अगर रीअसेसमेंट का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आया, ट्रिब्यूनल की तरफ से आया या अथॉरिटीज हैविंग सिमिलर पावर से आया तो फिर देयर इज नो टाइम लिमिट टू इशू नोटिस। फिर 10 साल बाद भी नोटिस इशू हो सकता, 15 साल बाद भी नोटिस इशू हो सकता, 20 साल बाद भी नोटिस इशू हो सकता। तो जनरल रूल 3 ईयर्स और 10 ईयर्स में कभी भी रिलेवेंट ईयर का नोटिस इशू हो सकता है। एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 150। सेक्शन 150 बोलता है कोर्ट, ट्रिब्यूनल आगे चल के कभी भी इन अथॉरिटीज ने क्या किया, आपको असेसमेंट का ऑर्डर दिया तो आप इनको नोटिस इशू कर सकते हो विदाउट एनी टाइम लिमिट। सेक्शन 150 समझ में आया क्या बोल रहा है, बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा है। सेक्शन 150 आई है पेज नंबर 4.9। Nothing contained in section 149, पूरे section 149 को override कर दिया, notwithstanding anything contained in section 149, पूरे section को override कर दिया। क्या कहते हैं वो, a notice under section 148 may be issued at any time, हम notice कभी भी issue कर सकते हैं for the purpose of assessment or reassessment, stop। क्या पहली बार assessment भी 147 में हो सकती है, yes। क्या वापस से एक बार हो सकती है, यस। इसीलिए सेक्शन में दोनों वर्ड यूज किए गए, असेसमेंट और रीअसेसमेंट। इन कॉन्सिक्वेंस और एन ऑर्डर टू गिव द इफेक्ट ऑफ फाइंडिंग और डायरेक्शंस कंटेन्ड इन द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स और द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एनी अदर लॉ, किसी दूसरे लॉ के हिसाब से भी अगर हमारे को क्या आ गया, ऑर्डर आ गया कि इनका इनकम एस्केप असेसमेंट करो या इनका असेसमेंट करो, अब कोई टाइम लिमिट नहीं, 15 साल बाद भी केस ओपन हो सकता, 20 साल बाद भी केस ओपन हो सकता, देर इज नो टाइम लिमिट टू सेंड द नोटिस देन। समझ में आ रही बात। सेक्शन 250 किस बारे में बात करता है, सीआईटी अपील का ऑर्डर। सेक्शन 254 आईटीएटी का ऑर्डर। सेक्शन 262 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सेक्शन 263-264 सीआईटी का ऑर्डर, रिविजन ऑर्डर बोलते हैं इसको। इनमें से कोई भी ऑर्डर आया या कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, देर इज नो टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग द नोटिस। सेक्शन 150, नो टाइम लिमिट टू सेंड द नोटिस अंडर सेक्शन 149। इन केस ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट इज गिवन बाय सीआईटी, सीआईटी अपील्स, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनी अदर लॉ, नो टाइम लिमिट टू सेंड द नोटिस अंडर सेक्शन 149। इन शॉर्ट नोटिस
can be issued at any time. Notice can be issued at any time. सेक्शन याद करो, उससे अच्छा तो अथॉरिटी याद कर लो. ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ रहा है जीके एंड ड्राइव शाफ्ट का? आई होप आपको समझ में आ रहा है लॉजिकल सीक्वेंस. पहले अप्रूवल लिया, अप्रूवल लेकर के ये देखा टाइम लिमिट है क्या. 150 से पता चला कोई टाइम लिमिट नहीं. अगर बॉसेस से ऑर्डर आ गए तो एओ को खुद करना है, टाइम लिमिट है. बॉसेस से ऑर्डर आ गए, नो टाइम लिमिट. बॉस ने बोला है, बॉस इज ऑलवेज राइट. द बॉस इज ऑलवेज राइट अनलेस प्रूव टू बी रॉन्ग. तो खत्म काम. 150 में दो ना टाइम लिमिट. चलिए जीके एंड ड्राइव शाफ्ट वाले केस में वापस जाइए. कौन सा सेक्शन नेक्स्ट है? 148A. अब ये 148A कभी एग्जिस्ट नहीं करता था 2021 से पहले. 2021 में निर्मला सीतारमण जी ने सबसे पहले एनालिसिस किया, बुलाया शेयर होल्डर से भी उनकी राय पूछी. शेयर होल्डर्स ने बताया 147 टेक्निकली एक क्रूअल सेक्शन है. ये कभी भी एओ को पावर देता था, कोई लोअर लेवल वाला भी क्या कर देता था, 147 ओपन कर देता था. अब मैं दो सेक्शन को एक साथ क्लिक करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना. सर होता क्या था, 147 एक बहुत हाई एंड पावर है. मतलब आप जब 143 144 में केस नहीं कर पाए, आपने 147 का रूट पकड़ा और फिर असेसमेंट कर दी. मतलब अगर कहीं एओ टाइम लिमिट में असेसमेंट नहीं भी कर पाया होगा, वो क्या करता था, 147 लेकर के फिर से असेसमेंट ओपन कर देता था. ये अनजस्ट है. यस, दूसरी बात क्या होती थी, कोई भी लेवल का ऑफिसर, मतलब सबसे छोटा एओ आईटीओ, वो भी 147 ओपन कर देता था, मर्जी आई तब. यस, मर्जी आई तब. तो दो इश्यूज पता चले इनको. पहला इशू था कि यार कोई भी छोटे लेवल का ऑफिसर भी एटलीस्ट यार 147 ओपन ना करे. 147 इज अ हाई पावर गेम. आप किसी का उस ईयर का असेसमेंट ओपन करने जा रहे हैं जिसका टाइम लिमिट लॉ के हिसाब से ही खत्म हो चुका है. विदाउट एविडेंस कोई भी आकर के अगर ओपन कर देगा तो इट विल बी एक्चुअल एन हरासमेंट टू द टैक्सपेयर. और दूसरी चीज थी 147 में कभी भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाला केस ही नहीं था. मतलब एओ के मर्जी में आया और उसने 147 ओपन कर दिया. भाई तुम पहले पूछो, एक्सप्लेनेशन मांगो, जस्ट बिकॉज यू हैव एविडेंस या तुम्हारे पास कोई एविडेंस आया है. लेट्स सी, मेरा असेसमेंट कर रहे थे. मेरा असेसमेंट करने के बाद सरप्राइजिंगली मेरे पार्टनर का असेसमेंट हुआ. मेरे पार्टनर के असेसमेंट में उनको एक एंट्री मिलती थी. उनको क्या मिलती थी, एक एंट्री मिलती थी जो उसको याद नहीं कि मेरे इसमें थी या नहीं थी. उसने शक के बेसिस पे क्या कर देना, मेरा 147 ओपन कर देना. अब यार मेरे को अपॉर्चुनिटी तो दो. आप डायरेक्ट मेरे को नोटिस भेज रहे हो असेसमेंट करने के लिए. मेरे को अपॉर्चुनिटी दो, पहले मेरे से सवाल पूछो और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो फिर आप मेरा 147 ओपन करो. आई मीन एज अ टैक्स पेयर आई शुड हैव सम बेसिक राइट्स और नॉट. एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलता है अगर तुमको कोई भी एक्शन लेना है तो एटलीस्ट आपने मेरे को क्या देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. और देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहली चीज जो इनने इंसर्ट करी वो इंसर्ट किया सेक्शन 148A. उन्होंने बोला अब 148A में हम पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे और फिर ही केस को क्या करेंगे, ओपन करेंगे. मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि हम हैपजार्ड मैनर में कभी भी 147 खोल देंगे. यानी 147 पे इनने अच्छे खासे रिस्ट्रिक्शन लगाए. 4 साल के टाइम पीरियड को 3 साल पे रिड्यूस किया, अनलेस एंड अंटिल 50 लाख से ऊपर का मैटर हो, 3 साल के अंदर में केस निपटाओ, काम खत्म करो. फिर इन्होंने बोल दिया अपॉर्चुनिटी के बगैर आप खोलोगे नहीं. और तीसरा भी इलाज किया इन्होंने, कौन सा ऑफिसर ऑर्डर इश्यू कर पाएगा, वो भी इलाज इन्होंने कर दिया. तो आइए इधर समझते हैं. 148A प्रोसीजर बिफोर इश्यूएंस ऑफ नोटिस. वर्ड देख रहे हो आप क्या है, नोटिस इश्यू करने के पहले का प्रोसीजर. यानी 148 से पहले 148A पढ़ना पड़ेगा. नंबरिंग सीक्वेंस कुछ भी हो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पढ़ना क्या है. समझ में आ रही बात. एओ शेल लिखा है भाई साहब, शेल का मतलब करना ही होगा, ऑप्शन नहीं है. एओ शेल बिफोर इशूइंग एनी नोटिस अंडर सेक्शन 148 कंडक्ट एन इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी. रुक जा, स्पेसिफाइड अथॉरिटी मतलब 3 साल तक का मैटर होगा तो सीआईटी, 3 साल के ऊपर का मैटर होगा तो. लॉजिक क्लियर है सभी के? यस. विथ रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट That income chargeable to tax has escaped assessment. सबसे पहला स्टेप उसको बोला, बेटा तू क्या कर, इंक्वायरी कर. ऐसा नहीं तेरे मन में आया तू कुट्टा काट के खाया, नहीं. Be sensible. दूसरा, provide an opportunity of being heard with prior approval of specified authority. With prior approval of specified authority. ये लाइन कट कर दी गई है.
दिस इज द अमेंडमेंट। यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के लिए आपको फिर से एक और बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? ये लाइन कट कर दी गई है। एक बार आपने 147 का अप्रूवल ले लिया, बाय डिफॉल्ट में 148 ए का भी अप्रूवल आ गया, तो यहां पे ये लाइन कट की गई है। समझ में आ रही बात? सो अब वर्ड कैसे पढ़ोगे आप? प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय सर्विंग अ नोटिस टू शो कॉज। एक शो कॉज नोटिस सर्व करना पड़ेगा। नोटिस में आप उससे अपॉर्चुनिटी दोगे। सर कितने दिन का? मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। नॉट बींग लेस देन 7 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 30 दिन के अंदर में आप उसको नोटिस दोगे। आप उससे जवाब मंगवाओगे, भैया मेरे को ये शक है, तू जवाब दे। यस, अच्छा जी। कंसिडर द रिप्लाई ऑफ द एसएससी फर्निश्ड इफ एनी इन रिस्पॉन्स टू द शो कॉज नोटिस। फिर उसके बाद क्या करना है? वेट करना है अगले 30 दिन तक के कि उसका रिप्लाई क्या आता है। एंड एओ शैल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस फॉर सेक्शन 148 बाय पासिंग एन ऑर्डर विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई इज रिसीव्ड बाय हिम एंड वेयर नो सच रिप्लाई इज रिसीव्ड विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम। समझ में आ रही बात? रजिस्टर में जाइए, इसको और शॉर्ट करके लिखते हैं। सेक्शन 148 ए OOBH बिफोर इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। एओ शैल मेक इंक्वायरी बिफोर इश्यूएंस ऑफ SCN थ्रू SCN ही विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज ऑन द मैटर इन नोटिस मिनिमम टाइम अलाउड टू रिप्लाई 7 डेज मैक्सिमम टाइम अलाउड 30 डेज। थर्ड, बेस्ड ऑन रिप्लाई एओ विल डिसाइड इट इज अ फिट केस फॉर 148 और नॉट। सर जी डन, चलो याद करते जाओ, मेरे साथ बार बार रिकॉल करो। 151 क्या था? अप्रूवल। 149 क्या था? टाइम लिमिट। 150 नो टाइम लिमिट। 148 ए OOBH। अब 147 148। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 148। हाँ जी भाई साहब, ये 148 क्या करता है? पेज नंबर 4.6, नोटिस बिफोर इशूइंग इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। नोटिस बिफोर इनकम एस्केपिंग
assessment. यानी income escaping assessment करने से पहले क्या issue करना पड़ेगा? Notice. अब जरा समझिए, ये notice क्या किया जाता है? Issue किया जाता है. Notice का sole objective क्या है? आपसे return भरवाना. नोटिस का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? आपसे रिटर्न भरवाना. तीसरी बात, नोटिस मालिक इशू तभी होगा, नोटिस मालिक इशू तभी होगा जब एओ के पास ये एविडेंस है दैट इन एओ हैज एविडेंस विच सजेस्ट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट. मतलब ये नोटिस तभी इशू किया जा सकता है जब एओ ओओबीएच देने के बाद ये सैटिस्फाई हो जाए दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट. इनकम जा चुकी है, ये कभी दिखाई नहीं गई है और ये टैक्स में लानी होगी. तो 148 के तीन पार्ट. पहला, 148 इशू नहीं किया, असेसमेंट पूरा का पूरा इनवैलिड. दूसरी बात, 148 तभी इशू होगा जब 148 ए का कंप्लायंस हो चुका होगा. तीसरी बात, नोटिस तभी इशू होगा जब एओ के पास एविडेंस है दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट. पहले तीन क्राइटेरिया समझ में आए आप सभी को? चलो पहले तीन क्राइटेरिया लिखेंगे अपन लोग. सेक्शन 148, नोटिस बिफोर इशू, नोटिस बिफोर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. इफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 नॉट इशूड, असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 इनवैलिड. बिफोर 148 एओ हैज टू कंप्लाई 148 ए एक्सेप्ट इन केस ऑफ सर्च सर्वे. Where he is sure that assets or documents belong to assessee. Search, survey, where he is sure assets or document belongs to assessee. Objective of notice is to require the assessee to file ROI for those year for which income has escaped assessment. Denmark, आहो पक्की बात, यहां तक के क्लियर है? अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव क्या है नोटिस का? आपसे क्या भरवाना? रिटर्न. कौन से साल के? जिस साल की इनकम क्या हुई है? एस्केप्ड हुई है. ठीक है, इधर आइए. बिफोर मेकिंग असेसमेंट री असेसमेंट री कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन 148 ए. समझ आ रही है बात? 147 से पहले एंड आफ्टर 148 ए. AO shall serve the notice on the assessee along with a copy of order passed is required, requiring him to furnish within such procedure in such notice return of income or income of any other person in respect of which he is assessable. The sole objective is to file return under this act as and return जो आप file कर रहे हैं ये अज्यूम किया जाएगा दैट इट्स अ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर 139. ये अज्यूम किया जाएगा कि ये रिटर्न कौन से सेक्शन में आ रहा है? 139. ए लाला, अब कुछ अगर आपके तरंगे जाग गई हो तो आपको ये समझ आ रहा है क्या क्या हुआ?
अब ये चार्ट देखिए आपका कितना सोच समझ के बनाया होगा। जैसे ही आपका असेसमेंट रीअसेसमेंट हुआ, मतलब आपको क्या फाइल करने के लिए बोलेंगे, बोल बेटा आपको क्या फाइल करने के लिए बोलेंगे, रिटर्न। तो आपको नहीं लगता असेसमेंट फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉ तो यही अज्यूम करेगा दिस इज अ रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139। अब जैसे ही रिटर्न भरा क्या होगी बेटा इसकी समरी असेसमेंट, और समरी असेसमेंट होने के बाद ये समय का पहिया फिर से घूमने लगेगा। तो जब तक तुम्हें निर्वाणा नहीं मिल जाता तब तक के तुम अलग अलग मनुष्य योनियों में घूमते रहोगे। समझ में आ रहा क्या जीवन में तुमको? यस। तो जब तक तुम्हें निर्वाणा नहीं मिल पाता तो तुम अटेम्प पे अटेम्प लगाते रहोगे, मेरी बात समझ जाना। तो तुम्हें ये प्रोसेस चलाना पड़ेगा, ये जीवन चक्र चलाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें कुछ अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। व्हाट इज अच्छे कर्म? चुपचाप एक्सेप्ट कर, पेकर खत्म कर। तेरा अच्छा कर्म क्या है? चुपचाप एक्सेप्ट कर, पंचायत ही नहीं करने का, चुपचाप एक्सेप्ट कर, खत्म कर। समझ में आ रही है बात? राइट। तो तेरे लिए अच्छा कर्म यही है, सबसे अच्छा कर्म यही है। अब समझ में आया ये लाइन यहां से क्यों जुड़ी? यस। कल मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था, कल मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था कि भैया यू नो 140 मतलब सर्च एंड सीजर के बाद भी केस कहां आने लग गए हैं? रीअसेसमेंट में आने लग गए हैं। यस। मतलब सर्च होगी, सोच होता क्या है, एक मिनट के लिए थॉट दे, सर्च का टॉपिक आगे है, बट फिर भी मैं आज तेरे को कनेक्ट कर रहा हूं, शायद कुछ टॉपिक बाद में तेरे को फिर से कनेक्ट करूंगा। तेरे घर पे रेड पड़ी, रेड पड़ने के बाद क्या होता है, तेरे घर से सब कुछ उठा करके डिपार्टमेंट लेके जाता। इसके बाद डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट तेरे को नोटिस भेजता है। किस बात का नोटिस? नोटिस भेजता है तेरे को किस पर्पज के लिए, असेसमेंट के लिए। तू आ और एक्सप्लेन कर कि ये तेरे पास आया कहां से, यानी उसको फिर से बुलाना है। तो एओ क्या करता है, सबसे पहले उसको असेसमेंट नोटिस इशू करता। थोड़ा सा सोचिए, जब एओ रेड का सामान उठा करके लेके जाएगा, 148 का नोटिस कब तक इशू किया जा सकता था, मैक्सिमम 3 इयर्स, और अगर रेड में ही 50 लाख से ज्यादा का मैटर मिल गया 10 इयर्स, तेरे को नोटिस भेजेगा। जहां तूने नोटिस भेजा, नोटिस भेजा मतलब तूने रिटर्न भरा, रिटर्न भरा पूरी चक्री फिर से शुरू। अब बेटा प्यार से कोऑपरेट कर ले तो 143, नहीं तो तेरी बजाने तो हम बैठे ही है। समझ में ही बात? नहीं तो तेरी बजाने तो हम बैठे ही है। यस, आ जाए इधर। प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी इशूड अनलेस देर इज, हाय हाय क्या बात लिखी है, नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल बी इशूड अनलेस देर इज अ इंफॉर्मेशन विद द एओ विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। ये नोटिस तब तक इशू नहीं हो सकती जब तक कि एओ श्योर ना हो जाए दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। क्या बात लिखी है, ये लाइन के ऊपर करोड़ों रुपए कुर्बान अगर हो तो। नो नोटिस कैन बी इशूड अनलेस एओ हैज एविडेंस विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तब तक नोटिस इशू नहीं किया जा सकती है जब तक एओ को ये श्योर ना हो जाए कि इनकम क्या हुई है, एस्केप, तब तक नहीं देंगे। डन है मालिक? चलिए, हम नोटिस तब तक इशू नहीं कर सकते, प्लीज एक बार मेरे साथ, आप भारतीय हैं तो जल्दी से बताइए। वो क्या होता है, जब भी आपने कभी देखा है क्या, वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आते हैं, यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर वीडियो आते हैं, राइट? हे मेरे भगवान, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी उम्र लंबी कर दीजिए। और दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 148 का नोटिस इशू हो, एओ के पास क्या होना चाहिए, एविडेंस विच सजेस्ट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। एओ के पास क्या होने चाहिए, एविडेंस दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। एओ के पास क्या होने चाहिए, एविडेंस दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। कौन से एविडेंस? मन में बहुत जोर से उठना चाहिए एक सवाल, कौन से एविडेंस की बात चल रही है यहां पे? कैसे पता चलेगा, कैसे सजेशन मिलेगा? क्या कोई परी आएगी रात में एओ को बोलेगी, हेलो उठो ना, मैं तुम्हारे लिए एविडेंस लाई हूं?
कैसे पता चलेगा ब्रो? अरे कैसे पता चलेगा कि उसके पास एविडेंस आ चुका है? हाँ, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। यस, ये कहां लिखा है बताऊं? ये लिखा है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ऑफ सेक्शन 148। कैसे पता चलेगा दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट? इसके केसेस लिखे हैं एक्सप्लेनेशन 1 में और एक्सप्लेनेशन 2 में। समझ में आई बात? तो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही होगी, एक्सप्लेनेशन 1 या एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 1 या एक्सप्लेनेशन 2 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, तो हम मानेंगे कि एओ हैज इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। और अगर उसके पास ये एविडेंस है तो ही 148A की पंचायती करना, नोटिस की पंचायती करना, अप्रूवल लेना। समझ में आ रही बात? अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2022, यहां पे भी अमेंडमेंट आया है, सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ दिस टॉपिक। समझ में आई बात? सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ दिस टॉपिक, जरा ध्यान से आइए मेरे दोस्तों। पेज नंबर 4.7, पहले सिर्फ यहां पे 2 ही आइटम थे, यहां पे और 3 आइटम इंक्लूड किए हैं। अब टोटल कितनी आइटम हो गई यहां पे? 5। पहले यहां पे 2 ही आइटम थी, इस साल इधर 3 आइटम ऐड किए हैं। चलिए आइए एक्सप्लेनेशन 1। देखिए अब मैं एक बात समझाता हूं, पहले एक्सप्लेनेशन 2 समझा देता हूं तो 1 आपके लिए आसान हो जाएगा। आई पहले 2 तो 1 आसान हो जाएगा। अरे मेरी बात सुन, पहले 2 फिर 1। इनकम टैक्स लिखने वाले ने ना जहां जगह मिली वहां घुसा दिया। पॉइंट यह था कि उसने तो सीक्वेंस लिखनी थी। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है तीन केसेस में अज्यूम्ड है, तीन केसेस में क्या है बेटा? अज्यूम्ड है कि एओ के पास एविडेंस है। तीन केस कौन से? पहला सर्च हुआ। देख सर्च अगर है ना, ऐसे मुंह उठा के कहीं पे भी नहीं कर देते, इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस जो हम देखेंगे, राइट? तो सर्च के केस में बाय डिफॉल्ट में ये अजम्पशन है दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। दूसरा सर्वे, जब डिपार्टमेंट ने आपके यहां सर्वे किया, ये बाय डिफॉल्ट में अजम्पशन है कि इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तीसरा किसी और के घर पे कुछ मिला और एओ श्योर है कि ये तेरा है। किसी और के घर पे कुछ मिला और एओ को शक है ये तेरा है। जैसे किसी के घर पे भाई का रुमाल मिला, रुमाल पे इसका नाम लिखा था और रुमाल के अंदर एक चिट्ठी थी, उस चिट्ठी में पूरा लिखा था इसने इसको कितने पैसे दिए हैं और कितना। अरे है, पहुंच जाते तुम, अखंड सिंगल लोग हो तुम, फिर आशिकी में पहुंच गए। अबे अपन इधर गोल्ड और पैसे की बात कर रहे, विच इज मोर इंपॉर्टेंट? मेरी बात समझ? यस, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोर इंपॉर्टेंट। इश्क किसी से छुपाए नहीं छुपता, गोल्ड छुपाया जा सकता है, फोकस ऑन गोल्ड। तो अब एओ जब सर्च करने गया, इस भाई का रुमाल मिल गया वहां पे और रुमाल के अंदर थी एक चिट्ठी। चिट्ठी में ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा था, चिट्ठी में लिखा था कितनी गोल्ड की चूड़ी है, कितनी सोने के बिस्किट है, कितनी चांदी के जेवरात है, कितना कैश मैंने तेरे को दिया है, और ऐसे सारे ट्रांजैक्शन की लिस्ट थी और कुछ गोल्ड के आइटम्स पड़े हुए थे। बस एओ को पता चल गया। अब जब एओ ने इसकी पकड़ ली चोरी, तो फिर क्या अलग से सजेशन देंगे आपको कि इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट? तो भैया चार केसेस में श्योर, तीन केसेस में श्योर है। पहला केस सर्च, दूसरा केस सर्वे, तीसरा मिला किसी और का, पता है एओ को है किसका? इसका। तो इस केस में हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, मैटर ओवर। ये तीन मैटर के अलावा, अब घुसो एक्सप्लेनेशन 1 में, पहले 2 पढ़ो फिर 1 पढ़ो, ज्यादा इजी हो जाएगा। इन तीन मैटर के अलावा कैसे एओ को पता चलेगा दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट? पहला, उसको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो बोर्ड ने फॉर्मुलेट की है। अभी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है और ये बोर्ड कौन सा बोर्ड है? बोर्ड का मतलब यहां पे सीबीडीटी है। सीबीडीटी हमेशा कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज बनाता है कि अचानक से सेल्स तुम्हारा 15% से ऊपर ग्रो हो गया, अचानक से प्रॉफिट तुम्हारा इस परसेंटेज के ऊपर चला गया, इस तरीके की एंट्रीज तुमको मिल रही है, कैश पेमेंट्स अचानक से ज्यादा हो जा रहे हैं, सी यू नो आपके कैश रेशियोज, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स के जो रेशियोज है वो इस पैरामीटर के ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे कई पैरामीटर्स उनने ऑलरेडी बना रखे हैं जो सिस्टम उनको ऑलरेडी सजेस्ट कर देता है। तो इन सजेशंस के थ्रू आपको अगर मिले होंगे वो। दूसरा, ऑडिट ऑब्जेक्शंस, अगर ऑडिट ऑब्जेक्शंस के बेसिस पे पता चल जाता है, मान लीजिए ऑडिटर ने ऑडिट किया और ऑडिट करके पता चल गया
ऑडिट करके क्या हो गया, पता चल गया, तो आपके ऑडिट ऑब्जेक्शंस के बेसिस पे भी 147 ओपन किया जा सकता है। अमेंडमेंट इसमें भी हुआ है, ऑडिट ऑब्जेक्शन पहले भी था, लेकिन यहां वर्ड लिखा था ऑडिट ऑब्जेक्शन बाय सीएजी, वर्ड सीएजी गायब कर दिया। मतलब अब अगर कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाता है और किसी भी ऑडिट ऑब्जेक्शन से पता चल जाता है दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, या ये इनकम यहां से बढ़नी चाहिए, हम ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं दैट दिस पर्टिकुलर इनकम हैज नॉट बीन रिपोर्टेड, यस, और दिस एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड, ये चीज आपको क्या करनी है, कंसिडर करनी है, और 147 आप ओपन कर सकते हो। तो यहां पहले सीएजी लिखा था, अब सीएजी वर्ड हटा दिया, सिर्फ ऑडिट ऑब्जेक्शन वर्ड डाल दिया, समझ में आ रहा है। इससे 147 का स्कोप फिर से वापस इंक्रीज हो गया। अब चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरफ से ये रिपोर्ट आई हो, इंटरनल ऑडिटर की तरफ से ये रिपोर्ट आई हो, या कहीं और ऑडिट से ये रिपोर्ट आई हो, तीनों भी उसके स्कोप में आ गए। नए तीन जो ऐड हुए, कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई डीटीडब्ल्यूए में, DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में भारत सरकार के पास अधिकार है कि वो किसी भी दूसरी कंट्री से इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। तो मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसका दूसरी कंट्री में भी रेसिडेंशियल स्टेटस है, या आप वहां से आए हैं, आपके पैन के अगेंस्ट में अगर कोई रिपोर्टिंग आई है कि इसने वहां ऐसी ऐसी इनकम कमाई है, तो ये भी इंक्लूड की जा सकती है। एनी इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू AO अंडर सेक्शन 135A हम सर्च एंड सीजर में पढ़ेंगे, हाल फिलहाल में बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई इंफॉर्मेशन AO के पास आई सेक्शन 135A के हिसाब से, तो भी उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन जाएगी 147 ओपन करने के लिए। लास्ट, एनी इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर एक्शन इन कॉन्सिक्वेंसेस टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोई इंफॉर्मेशन किसके तहत से आई हो, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के तहत से आई हो, तो भी आपके पास पूरा राइट है 147 को ओपन करने का। सर हम कहां हैं, बहुत डीप में, सुन, 148 तू तभी इशू कर सकता है जब तेरे पास एविडेंस हो दैट इनकम एज एस्केप्ड असेसमेंट। अब तेरे पास कहां से आएंगे एविडेंस दैट इनकम एज एस्केप्ड असेसमेंट, ये लिखा है एक्सप्लेनेशन 2 और एक्सप्लेनेशन 1 में। पहले पढ़ना एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 2 तीन केस में अज्यूम्ड है, क्या है बेटा, अज्यूम्ड है कि तेरा इनकम एस्केप हुआ ही है। कौन कौन से तीन केस, सर्च, सर्वे, किसी और का है तू, किसी और का हो जाऊं, किसी और के, हम ये सबूत मिल गए कि ये तेरा है, ठीक है। दूसरा, पांच केसेस और है जहां AO क्या कर सकता है, 148 भेज सकता है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आया, DTAA में इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई, नेक्स्ट 135A में इंफॉर्मेशन मिली, या फिर कोर्ट या ट्रिब्यूनल की तरफ से आया, तो आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है, 148A दे सकते हो, याद आ रहा है। चलिए एक्सप्लेनेशन 2 पहले पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 2, इट शैल बी डीम्ड दैट AO हैज इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट वेयर सर्च इनिशिएटेड और रिक्विजिशन हैज बीन मेड, कहां वेयर सर्च इज इनिशिएटेड, सर्वे इज डन, AO इज सैटिस्फाइड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑफिसर्स दैट एनी मनी बुलियन ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग रिक्विजिशन और सीज बिलोंग्स टू असेसी, AO is satisfied that any books of accounts and documents pertains to the assessee. In short, तेरी कोई चीज किसी और क्या मिली, पर AO satisfied है, वो है किसकी, तेरी। इसीलिए मैंने दो चीजें बोली आपको, इसके रुमाल में क्या मिला, चिट्ठी और सोना, any document और valuable assets, समझ में आया, आसान तरीके से यही था इसको समझना। Assumed income escaping assessment in case of A, B, she. Fill in the blanks. पहला search under section 132. दूसरा survey under section 133A. तीसरा Where AO is satisfied assets or document belongs to assessee found somewhere else, मिले कहीं और है तेरे, सबूत छोड़ के मत जाना, 148 हो सकता है, और कुछ होना हो 148 हो सकता है।
यस हाँ जी, पांच आइटम इधर आ गए, जैसे याद आ रहा वैसे वैसे बोलते जाओ। पहला इंफॉर्मेशन एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सीबीडीटी, दूसरा ऑडिट ऑब्जेक्शंस, तीसरा इंफॉर्मेशन अंडर DTAA, चौथा AO रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 135A, पांचवा थ्रू ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स। अब मेरा बच्चा बता, सेंसिबल क्या है, पहले वन पढ़ना या टू पढ़ना? समझ में आया मैं क्या बोला? उनको जिधर जिधर जगह मिली उधर लिख दिया उन्होंने, टेंशन ही नहीं लिया। अरे कुछ सीक्वेंस लगाओ। यस, इतने डेंजर लोग हैं इनकम टैक्स में, पूरा ABCD यूज कर लिया TDS करते वक्त, WXYZ बचा है, मेरे को लगता है अगले साल तक वो भी आ जाएगा। 194 ABCDEFGHIJK सब हो गया, सिर्फ WXYZ बचा है। R और S तक के आ गए इस साल, हो अगले साल तक के WXYZ खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए AI भी है लगाना, हाँ आई क ख ग घ न सब लगा देना, हमारा क्या आदत हो गई अभी। आप समझिए हम लोग सीए फाइनल, सीए में फाइनल वाले हो गए, अब हमको आदत है जीवन में इस तरह से जीने की। हाँ, अब हम विचार ही नहीं करते, समझ में आ रही बात? अब हम विचार ही नहीं करते, हम मान के चलते हैं। जितना बड़ा हमारा एक मॉड्यूल है या फाउंडेशन में जितना इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल है, इतना तो हमारा अमेंडमेंट आएगा, मान लिया है हमने। यस चलो जी, ये क्लियर है? धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो। नहीं ऐसे कैसे, वापस से चालू करो। 151 अप्रूवल, पहले 3 साल याद करवा के छोड़ूंगा, आज की आज मतलब सपने में भी आएगा बता रहा हूं, चौथा रिवीजन करवा रहा हूं। 151 पहले 3 साल, 3 साल के बियॉन्ड फिर जाएंगे हम 149, कितने साल तक नोटिस इश्यू कर सकते हैं इन जनरल? 3 ईयर्स। असेट या एक्सपेंडिचर 50 लाख या उससे ज्यादा है तो 10 ईयर्स तक के। 150 कहता है ये चार, सॉरी ये 3 और 10 की सीमाएं तुम्हें रोक सकती, अगर CIT अपील कोर्ट ट्रिब्यूनल की तरफ से ऑर्डर आया, देर इज नो टाइम लिमिट इस प्रोसेस को करने के लिए। यानी आपको नहीं लगता 147 सबसे बड़ा पावर हो गया? हाँ, फिर यहां से हम गए 148A, क्या देंगे बेटा? मिनिमम टाइम लिमिट 7 डेज, मैक्सिमम टाइम लिमिट 30 डेज, उसके बाद डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं। करना है तो हमें क्या भेजना है? नोटिस। नोटिस का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? रिटर्न भरवाना, कितने साल के लिए? एओ को मालूम, एओ को मालूम, लेकिन 3 साल या 10 साल के में से कोई पैरामीटर में रिटर्न भरवाने पड़ेंगे। अच्छा एक और बात बताओ ना मेरे को, ये नोटिस तभी भेजी जा सकती है जब एओ के पास एविडेंस है। एओ के पास एविडेंस आएंगे, ये कहाँ लिखा है? एक्सप्लेनेशन 1 और 2। 2 एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? अज्यूम करेंगे 3 केसेस में कि एविडेंस है, सर्च सर्वे इंफॉर्मेशन और एसेट्स बिलोंग टू असेसी अवेलेबल समवेयर एल्स, ठीक है? 5 केसेस में अज्यूम किया जाएगा कि 148 का नोटिस दिया जा सकता है। पहला रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से, दूसरा ऑडिट ऑब्जेक्शन, ऑडिट ऑब्जेक्शन ऑफ CAG या एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन, हाँ DTAA से इंफॉर्मेशन मिला, 135A में इंफॉर्मेशन मिला, कोर्ट या ट्रिब्यूनल से इंफॉर्मेशन मिला, क्लियर है? सुनो ना मुझे एक बात बताओ, सही लगे तो दिल हाँ कहना, आपको नहीं लगता ये जो 3 केसेस है इसमें 148A OOBH नॉट रिक्वायर्ड? आपके घर पे अगर रेड या सर्वे हो गई तो डिपार्टमेंट को वैसे ही पता है, जब लॉ ये अज्यूम कर रहा है कि तुम्हारी इनकम एस्केप हुई है तो फिर OOBH देने का कोई लॉजिक है क्या? यानी क्या मैं कह सकता हूं इन 3 केसेस में आपको OOBH देने की भी जरूरत नहीं है? इन 3 केसेस में आपको OOBH देने की जरूरत नहीं है,
समझ में आया? चलो जी भाई, हाँ आप मुझे बताइए, दो तकलीफ क्या थी डिपार्टमेंट को निर्मला सीतारमण जी के सामने? पॉइंट नंबर एक कि बहुत कभी भी नोटिस इशू हो रहा था, दूसरा कोई भी नोटिस इशू कर रहा था। टाइम लिमिट तो उनने 3 साल और 10 साल कर दिया, टाइम लिमिट तो रिड्यूस कर दिया, कोई भी आके केस ओपन कर देता था, ये दूसरी तकलीफ थी मोहतरमा की। यस मैडम ने ये भी हैंडल कर लिया, उन्होंने बोला कोई भी आके कुछ भी नहीं कर सकता, देयर मस्ट बी अथॉरिटी। अभी सेक्शन को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक क्या था। नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट रिकम्प्यूटेशन कैन बी पास्ड बाय एओ बिलो द रैंक ऑफ जेसी। सुनना सुनना सुनना, तेरे में दम है और अगर अपन ने सच में पिछले 4-5 दिन से मेहनत की है, 116 बता, इनकम टैक्स अथॉरिटी सबसे ऊपर कौन, सीबीडीटी के नीचे कौन, सीसीआईटी के नीचे कौन, हमारा एक भूला भटका भाई भी है, हाय हाय, सीआईटी के नीचे, जेसी के नीचे, एसी डीसी मैंने मारना है तुम लोग को, हाँ उसके नीचे आईटीओ, उसके नीचे टीआरओ, उसके नीचे इंस्पेक्टर, याद है? इसमें से एओ कौन कौन बन सकता है? ये कोई भी एओ बन सकता था, एओ है मतलब असेसमेंट कर सकता था, असेसमेंट मतलब 143(3) भी कर सकता था, 144 भी कर सकता, 147 भी कर सकता था। अब लॉ क्या बोल रहा है, जेसी के नीचे वाले करेंगे नहीं, समझ में आ रहा है? पहले ये भी उठ के 147 कर देते थे, जिनको कुछ नहीं समझता वो भी ज्ञान देके जाते थे, समझ में आ रही बात? आप समझ रहे हो, मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, राइट? तो होता है ना कभी कभी, हमारा जो छोटा भाई आता फाउंडेशन में, हम फाइनल में, छोटा भाई आता फाउंडेशन में, छोटे भाई क्या कर रहे थे तुम, तू है ना एक काम कर, अभी ना दिन में 4 घंटे पढ़ा कर, फाउंडेशन वाला तुमको बोल के जाता और कुछ नहीं, तो नहीं तुमको ऐसा फील होता, अच्छा बाप को सिखाएगा तू। अच्छा जो हमारे भाई बहन ना इस कोर्स में है ही नहीं, मतलब जिनका जीवन बहुत सुखी है, समझ रहे हो, जिनका जीवन वो, मतलब आप उनको कभी मस्ते हुए देखोगे ना, पढ़ाई करना बे, वो आप बोले कुत्ते 40 लाले, बेइज्जती सा फील होता है मालूम, कुत्ते 40 लाले बेइज्जती सा फील होता है जीवन के अंदर में, राइट? बट ठीक है, ये दिन भी चले जाएंगे। यस, एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी बोलता हूँ, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा आप लोग का। देखिए क्या था, एक राजा था, ठीक है, छोटा सा एकदम, बहुत छोटा सा मोटिवेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज है लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए। देखिए एक राजा था, राइट, ये राजा जो था उसके पास सब कुछ था, उसके पास सब कुछ था, धीरे धीरे उसके पास से सब कुछ जाने लगा। तुम 11th में थे, तुम्हारे पास सब कुछ था, अच्छे मार्क्स आते थे, अच्छे परसेंट आते थे। स्टोरी को इस तरह से कोरिलेट करो, वो राजा हो तुम, ठीक है, इस स्टोरी में राजा कौन हो तुम। तो एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धीरे धीरे उसके पास से सब जाने लगा, उसके राजपाट जाने लगा, उसके ऐशो आराम जाने लगे, उसके दोस्त मित्र यार दुश्मन बनने लगे, लोग जो थे उसके रानी भी आएगी, ठीक है, जो उसके चाहने वाले थे वो उससे दूर हो गए, जो उसकी इच्छाएं थी अब वो उसका मन नहीं करता था कुछ भी करने का, कुछ रानी थी या जिसको चाह थी वो भी चली गई, ठीक है, परेशान हो गया, जंगल में गया, बोले यार थोड़ा सुकून चाहिए लाइफ में, जंगल में गया, जंगल में एक ऋषि मिले, जंगल के कौन मिले, एक ऋषि मिले, ऋषि ने उसकी पूरी 1-2 घंटे तक की पूरी दास्ता सुनी कि मैं फाउंडेशन में ऐसा था, मैं बहुत अच्छा था, इंटर में मैं ऐसा था, फिर ऐसे पास, फिर फाइनल में आया, फिर इसके आर्टिकल चिप कर रहे। अच्छा एक तो क्या होता है, आर्टिकल चिप जितने लोग कर रहे हैं ना उनका सबका एक पॉइंट कॉमन है, मेरा फॉर्म सबसे खराब, दुनिया का सबसे खराब फॉर्म में मेरे को एंट्री मिले, जिसने भी ये फॉर्म बोला था ना साला मिल जाए कहीं, मर्डर करेगा मैं उसका। तो महाराज पूरी बात सुनते हैं, महाराज हूं मैं, महाराज पूरी बात सुनते हैं, समझते हैं। महाराज बोलते रुक मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं। महाराज दो ताबीज लाते हैं और ताबीज के अंदर में ना कुछ लिख देते हैं, ताबीज के अंदर कुछ लिख देते और राजा कहते हैं, राजा को कहते हैं, हे राजा सुनो, ये ताबीज तब खोलना, जब पहला ताबीज तब खोलना
जब तुम्हारी जान पे बनाए, जब तुम्हारी जान पे बनाए, मतलब तुम एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और अब बस या तो तुम इसे छोड़ने वाले हो या तो तुम छोड़ने वाले हो, या तो तुम इसे छोड़ने वाले हो या तो छोड़ने वाले हो। पहला ताबीज तब खुलेगा, बड़े ध्यान से सुनना, और दूसरा ताबीज तब खोलना जब तुम्हारा सब कुछ सही हो, जब तुम अपने पीक पे हो, चरम पे हो और तुमको ऐसा लगे कि बस मैं ही भगवान है। राजा प्रणाम करता, आगे बढ़ जाता। आगे बढ़ते वक्त उसको भयानक तकलीफ आती, चारों तरफ से उसकी पूरी सेना चल जाती, जितने पैसे थे सब चले जाते, हर तरफ से हार का सामना, स्ट्रेस, मेंटल पीस चले जाता, तबीयत खराब होने लग जाती, तबीयत डिप्रेशन हर तरफ से आने लग गए, तकलीफ। और एक टाइम ऐसा आता कि बस उसको मारने ही वाले हैं, तब उसको याद आता ताबीज नंबर 1 ओपन करना है। वो ताबीज नंबर 1 ओपन करता, अंदर लिखा होता, समय है गुजर जाएगा। क्या लिखा होता? समय है गुजर जाएगा, फिर से मेहनत कर। समय है गुजर जाएगा, फिर से मेहनत कर। राजा को मोटिवेशन आता कि ठीक है यार, महाराज ने बोला है समय है गुजर जाएगा, ठीक है ये विपदा है, मैं फिर से मेहनत करूंगा। राजा मेहनत करता, संभव वहां से निकलता, अपना नया राज्य बसाता, सब कुछ बेहतर हो जाता, सब बेहतरीन। इंटर में कभी अगर तुम फेल हुए तो सोचो यही सिचुएशन थी, बराबर। फिर से तुमने मेहनत करी, तुम फिर से वापस रीट्रैक पे आए, तुम फिर से वापस से उस जगह को उठने के लिए आए। सोचो अगर तुमको कितनों को अटेम्प्ट लगाए इंटर में, हाथ उठाओ जल्दी से। यस, इंटर में अटेम्प्ट लगाए, बिलीव मी, एक पॉइंट ऐसा नहीं था जब तुम इस कोर्स को छोड़ के जाने वाले थे। यस, छोड़ना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। यस, फिर तुमने सोचा यार एक अटेम्प्ट और दे दूं, होगा, सब ठीक होगा। तुमने दिया, तुमने क्रैक किया, संभव तुम आगे बढ़े, तुम्हारे पास सब कुछ है। फाइनल में आज की स्थिति में देखो तो तुम इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं हो। तो राजा के पास भी सब कुछ आया वापस, प्रजा आई, अच्छे लोग आए, प्यार करने वाले आए, सपोर्ट करने वाले आए, उनको अच्छा देखने वाले आए, और राजा अपने बेस्ट आइज में था। राजा ने बोला अब मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने बहुत अच्छे टाइम में चल रहा हूं, मेरा अटेम्प्ट भी आने वाला है, सीए भी बन जाऊं, सब सब बेहतरीन चल रहा। तब उसको याद रहता एक और ताबीज था, अपने सबसे बेहतरीन टाइम में खोलना था, ताबीज नंबर। वो बोलता चलो आज इसे खोला जाए, यह है आपकी आज की परिस्थिति। ये ताबीज खोला और ताबीज के अंदर पता है क्या है लिखा था? ये समय भी गुजर जाएगा, मेहनत कर ले। ये समय भी गुजर जाएगा, मेहनत कर ले। क्या सीखने को मिला? द जर्नी इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, द जर्नी इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कभी तुम्हें बहुत लोज दिखाएंगे, ये कभी तुम्हें बहुत हाईज दिखाएंगे। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी, बट वॉट मस्ट यू मस्ट नो एट एनी टाइम, ऑन योर कंप्लीट लोज एंड ऑन योर कंप्लीट हाईज, तुमने अगर मेहनत नहीं की तो बेटा क्या है? समय है, ये समय गुजर जाएगा। हर घड़ी जो नीचे जा रही है वो कभी ना कभी वापस ऊपर भी आ रही है, समझ आ रही है बात? तो अगर तुम बहुत ज्यादा मस्ती में हो ना बेटा, और तुम्हारा अटेम्प्ट आ रहा है मई जून 23 या नवंबर दिसंबर 23 एज द केस में भी, और तुम बहुत ज्यादा मस्ती में हो, तुमको अभी तक ऐसा लग रहा है हाँ हम तो फाइनल में हम तो निकाल ही लेंगे, जो गलती तुमने अपने लोज में की है वो गलती अपने हाइज में मत करो, समझ आ रही है बात? क्योंकि ये समय है, ये क्या हो जाएगा बेटा? गुजर जाएगा, और फिर से वापस लोज में तुम आ नहीं पाओगे। और मैं पता है तुमको, तुम जब तक इंटर में थे ना तब तक तुम्हारे लोज लॉजिकल थे, संभाल लेते थे, तुम्हारा एज भी उतना नहीं था। आज तुम्हारे साथ सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? बीइंग इनटू फाइनल ना, सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या होता है? एज। साला अपने एज के लोग जो इन कोर्सेज को नहीं कर रहे ना, अपना कंपैरिजन घर वाले उनसे करते हैं, वो कहीं ना कहीं सेट हो गए, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, किसी ने कुछ अच्छा नाम भी कर लिया है। हमारे साथ तकलीफ क्या है? हम कुछ नहीं कर रहे और आज तक हम घर वालों के पैसों पे हैं। कम ऑन, एक्सेप्ट दिस। हमको जितना आर्टिकल चिप में मिलता है वो उतना है ही नहीं, यू नो, थोड़ा बहुत भी अगर ढंग के मिलता तो हम मान लेते कि प्राप्त है तो पर्याप्त है ना, हमको प्राप्त भी नहीं और पर्याप्त तो है ही नहीं, बराबर। दूसरी बात क्या है? हमारा हेल्थ। आप सोच के देखिए, हम इस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं,
आप सोचो ना, तुम कौन सी लाइफस्टाइल जी रहे हो? लॉजिकली तुम फाइनल में हो, रोज सुबह झक मार के तुम्हारी नींद 6 बजे खुलती, वो नींद नहीं खुलती, झटका है। समझ में आ रही? तुम झटके में उठते हो, याद करके देखो, कभी गलत नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बड़ा भाई बोल रहा हूं कि तुम झटके में उठते हो, तुम नींद से खुलते नहीं है, तो शिट झटके में उठ रहे हो। झटका किसका? क्लाइंट किसके? बॉस के। परेशान कौन है? तुम। क्लाइंट किसके? बॉस के। परेशान कौन बैठा है? तुम। परिवार वाले तुमसे उम्मीद छोड़ चुके हैं, मेरी बात समझ, ठीक है? कईयों के तो घर पे भी बोल चुके, सोने तो आता, काहे को आता, वहीं रहे, ठीक है? तुमको बाकी कोई लाइफस्टाइल बची नहीं, पार्टी। मैं बताऊं तुम्हारी हाल फिलहाल की परिस्थिति क्या है? तुम्हारी परिस्थिति ये है, इनफैक्ट अगर किसी शादी, पहले बात तो तुम शादी फंक्शन वगैरह में जाते ही नहीं, वहां मिल जाते एक सड़ू से अंकल जो बोलते कौन से कॉलेज से सीए कर रहे, तेरी, ठीक है? कोई ना कोई फिर पूछ लेता, गधे का बच्चा कितने अटेम्प्ट लगे तेरे को, और कुछ नहीं तो अपने बच्चों को लाके हमारे सामने खड़े कर देते, इसको भी सीए करना है, कुछ बताना, तुम्हारा दिल कहता है? सच बोल रहा हूँ, मत बता रहा हूँ, मेरी हालत देख ले साले, बता रहा हूँ मत। दीदी मुझे भी सीए करना है, आपके जैसे फाइनल में आना है, मैं ही तो आके पछता रहा हूँ, तू कहेंगे झंडू। मुझे आपके जैसा बनना है, क्या करूँ? कौन सी क्लासेस लगाओ? इनर यू। कोई भी क्लास लगा, क्या फर्क पड़ने वाला है, समझ में तो तेरे घंटा नहीं आने वाला, तू लगा ले। और दीदी मेरा मतलब 97% आए थे, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाऊंगा ना? 98 फोर अटेम्प्ट्स। ये होता है, ठीक है? तुम हर तरफ से परेशान हो, बराबर है, हर तरफ से परेशान हो, लेकिन बिलीव मी ये बहुत, देखो मैं हर लेक्चर के अंदर में ना शायद 5 मिनट या 10 मिनट तुमको जरूर मोटिवेशन देता हूँ, उसका लॉजिक सिर्फ ये है क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। ये जो फेल होने वाला प्रोसेस है और ये जो वापस से पास होने वाला प्रोसेस है ना, देख क्या होता है, इंटर लेवल तक के ना तेरे को वो फालतू वाला मोटिवेशन समझ में आता है, फाइनल लेवल पे तेरे को कोर चाहिए कि बॉस ये है, ये तेरे गोल्स है, राइट? और इन सब चीजों में ना तुम बहुत टूटते हो। फाइनल का बच्चे का साथ सबसे बड़ा तकलीफ ये है एज। एज के साथ साथ क्या होता है, वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाता क्योंकि घर वाले उसको समझने लगे, पप्पा जो होते हैं ना, पप्पा उसको समझ रहे 4 साल आगे, मम्मी तुमको समझ ही नहीं रही क्योंकि यहां तक कि मम्मी और तुम्हारा सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि बॉन्ड खत्म हो जाता है, दोस्त बचे नहीं, अब दोस्त वो है जो नोट्स दे दे, कम ऑन एक्सेप्ट दिस, क्योंकि बाकी सब दोस्तों को लगता है तुम फाइनल में पहुंच गए, तुम बड़े लोग हो गए, बहुत कमा रहे हो तुम, दोस्त तुम्हारे कोई बचे नहीं। तो ये सारी प्रोसेस के अंदर में तुम खुद की हॉबीज, हॉबी हाँ हॉबीज क्या होता है, आई मीन ये तो रिज्यूम पे लिखते हैं ना सिर्फ, और वो भी किसी और का रिज्यूम लेना, नाम चेंज करना, उसकी हॉबी अपनी है, ये तो सिर्फ रिज्यूम पे लिखा जाता है ना, सही बात है कि नहीं है? यस इट हैपेंस, मस्ती नहीं कर रहा हूं बट इट हैपेंस। मैं आप सबको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, समय गुजर जाएगा। यस तुम आज 6 साल बाद 7 साल बाद 10 साल बाद हम भी पलट के देखते ना जब हमारे टाइम को, तो हमको ऐसा लगता है कि यार बहुत भयानक प्रोसेस था जिससे हम गुजरे थे, लेकिन आज जब हम उस चीज को पलट के देखते हैं ना, बहुत अच्छा फील आता है यार, सच बता रहा हूं। सर डिफरेंस कहां होगा लाइफ में, मैं आपको बताता हूं कहां डिफरेंस होगा लाइफ में। डिफरेंस पता है कहां होगा लाइफ में, जब गर्मी पड़ेगी आप अपने घर में एसी लगाओगे या कूलर लगाओगे, दैट इज द डिफरेंस। आप जब शॉपिंग करने जाओगे तो तुम पहले प्राइस टैग देखोगे या तुम ब्रांड देखोगे, दैट इज द डिफरेंस। जब तुम ये सोचोगे ना कि मेरे को घूमने जाना है, राइट, तो तुम ये देखोगे मेरे को कितने दिन घूमने जाना है। जहां कोई दूसरा बंदा इसी टाइम पे जॉब करके आज मस्ती कर रहा होगा और तुम इधर बैठ करके मेहनत कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंस कहां आएगा? तुम अगली बार ना जब किसी होटल में जाओगे तो ये डिसाइड नहीं करोगे कि मैं राइट साइड देखूं, तुम डिसाइड करोगे मैं लेफ्ट साइड देखूं, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। समझ में आ रही बात? राइट साइड इज द प्राइस टैग एंड लेफ्ट साइड इज द आइटम्स। तो यहां डिफरेंस आता है, तुम ये डिफरेंस, मजा तुम्हें तब आएगा जब तुम्हारे नीचे 5 आर्टिकल बैठे होंगे और तुम बदला बदला ये चीज करोगे ना। सी हर एक को ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलता, मेरी बात समझना, हर एक को ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। आज तुम मुझे बताओ, तुम जब अपने बॉसेस को देखते हो, जहां पे भी तुम आर्टिकल चिप कर रहे हो तुम अपने बॉसेस को देखते हो, डोंट यू थिंक सो ही इज फाइनेंशियली सो इंडिपेंडेंट? अगर उसको 5 दिन ऑफिस नहीं भी आना है वो नहीं आएगा,
समझ आ रही बात? ये कोर्स ना तुम्हें ये चीज देता है, लेकिन वो चीज पाने के लिए ना अपनी ऐसी तैसी करानी पड़ती है, अपने आप को पूरा मिटाना पड़ता है और रीबिल्ड करना पड़ता है, और एक बार नहीं कई बार इस कोर्स में। क्योंकि जो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन है ना वो यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा ब्रेकडाउन इमोशनल बैकग्राउंड है। सबसे ज्यादा जो तुम टूटते हो ना वो इमोशनली टूटते हो, क्योंकि क्या होता है इंटर तक के तुम्हारा रिजल्ट फेल आ जाए ना कहीं मम्मी पापा समझा लेते हैं, सर फाइनल में रिजल्ट अगर गलती से भी फेल आता है ना घंटा कोई नहीं मिलता किसको समझाएं कि क्या चल रहा है, रो भी नहीं सकते बे किसी के सामने, क्योंकि रोना नाम की चीज तो पहले ही खत्म कर चुके हैं, क्योंकि अब तक हम एक्सेप्ट कर चुके हैं ये कोर्स ही ऐसा है। समझ आ रही है बात? बट मैं आपको एक बात बहुत अश्योरेंस के साथ क्या बताऊं बोलूं आपको, दूसरे ना जो साल भर 365 दिन मेहनत करके कमाते हैं ना वो तुम एक महीने में छाप सकते हो, और शायद एक सीजन में भी। जो साल भर मेहनत करके कमाता है ना, तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारा बॉस, बिल तो तुम ही बनाते हो। समझ में आ रही है ना बात? दूसरे जो ना साल भर में कमाएंगे, मतलब दूसरे जो दूसरे कोर्सेज वाले होंगे जो साल भर में कमाएंगे ना, यू नो इट वेरी वेल कि तुम एक बार में कमाओगे, और जब तुम्हें उस टाइम पे मजे लेने हैं, डिफरेंस बस यही होता है कि जब तुम कोई होटल सिलेक्ट करोगे दैट विल बी अ ओयो और अ फाइव स्टार, बिलीव मी फॉर एनीथिंग। पर्पस इज इररिलेवेंट, व्हाट इज रिलेवेंट इज तुम क्या बुक करोगे, मेरा बात समझ, ये डिफरेंस है, बाकी कहीं डिफरेंस नहीं आएगा। जब तू कार लेने जाएगा तो तू ये सोचेगा कि तेरे को ये छोटी मोटी कार लेने की है और यू कैन अफोर्ड अ बीएमडब्ल्यू बट मूड नहीं है, ये इंडिपेंडेंस जो है ना ये तुम में चाहिए, ये इंडिपेंडेंस तुम में चाहिए। यू कैन अफोर्ड अ बीएमडब्ल्यू बट मेरे को लेना क्यों, मूड नहीं है, ये इंडिपेंडेंस तुमको चाहिए। मजा तुम्हारे को तुम्हारे लाइफ में तब आएगा जब तुम्हारे मम्मी पापा को लेकर के जाओगे किसी सलोन में, कौन से सलोन में चलना है, हाँ चलो इधर चलो कोई मतलब नहीं, और उनके हाथ में ऐसा कार्ड दोगे, जो खरीदना है खरीदो, मैं इधर बैठ के रिटर्न फाइल कर रहा। एंड बिलीव मी आई हैव लिव्ड दिस मोमेंट। मैं मेरे मॉम डैड आए थे, मेरे मॉम डैड को वो पैवेलियन मॉल नहीं है, पैवेलियन मॉल में लेकर के गया मैं, उनको कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। तो एक दिन मेरे मम्मी पापा नागपुर में रहते हैं तो वो पुणे में आए, और ऑब्वियसली मेरे क्लास चालू थे तो मैं उनको 3-4 दिन टाइम नहीं दे पाया। तो एक दिन ना मम्मी और पापा ने मेरे को इवनिंग में बोला, क्या यार, बोले हम तो सोचे थे तू आएगा टाइम देगा थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कराएगा। मतलब आपको शॉपिंग करनी है, शॉपिंग वॉपिंग करा ना यार, बोले अभी ऐसे पापा पापा आपको कई बार छेड़ते, कुछ यार ऐसा लगना चाहिए सीए का बाप हूँ यार थोड़ा। ऐसा मेरे को डैड ने बोला, मैं बोला हाँ चलो। तो मैंने लॉजिकली दूसरे दिन बैच को उनके कहने पे इवनिंग में मैंने ऑफ दिया और मैं उनको पैवेलियन लेकर के गया, एंड उस टाइम पे मेरे को कुछ ऑफिस के रिटर्न फाइलिंग्स करने थे। सो आई लिटरली, मेरे को वो मोमेंट इतना बेहतर लगा, मैं इसको बार बार रिकॉल करता हूँ, ऑलमोस्ट हर बैच में बोलता हूँ। मैंने ऐसा कार्ड निकाला और कार्ड उनके हाथ में दे दिया, मैंने बोला आप लोग शॉपिंग करके आओ, मैं इधर बैठा हूँ और मेरे को थोड़ा सा काम करना है, और आप लोग शॉपिंग करो, आपको क्या चाहिए। मैं मेरी मम्मी का इनोसेंस बिल्कुल अलग होता है, आप समझो। एक तो मम्मी पापा को अगर अपन पैसे दे देना खर्चा करने के लिए, उनसे उतने नहीं खर्चे, कभी देखा है आपने ये बात, अपन उनको अगर पैसे दे देना खर्चा करने, ये लोग खर्चा ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने पे खर्चा किया है, उनको ऑब्जेक्टिव कभी ये था ही नहीं कि अपन उन पे खर्चा कर दे, मस्ती अलग बात है। तो मेरी मम्मी ने बोला इसमें कितने पैसे खर्चे कर लूं, दैट वॉज एन अमेरिकन सिल्वर प्लेटेड कार्ड, आप समझ रहे हैं इसका मीनिंग, अमेरिकन एक्सप्रेस का सिल्वर प्लेटेड कार्ड था वो जो मैंने मम्मी के हाथ में दिया। ऑब्वियसली उनको नहीं समझ रहा है ये क्या है, बट आप तो समझ रहे हैं ना ये क्या है। उसका लिमिट कितना होता है। तो मैंने उनको अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड दिया, अब वो मेरे से पूछ रहे हैं इसमें लिमिट कितनी है, मतलब मैं कितने खर्चा करूं। मैंने बोला आपको क्या क्या लेना है मम्मी, बोले मेरे को एक चप्पल लेनी है। मम्मी खर्चे समझो, बोले मेरे को एक चप्पल लेनी है, मतलब ठीक है, और बोले एक गाउन लेना है, मैं पैवेलियन में गया और इनको लेना गाउन है। समझ आ रही है, तुलसी बाग के आइटम ये मेरे से पैवेलियन में मंग रहे। तीसरी चीज बोले पप्पा के लिए एक चश्मा लेना है, बोले वो जो स्पेक्स रोज पहनते, और बोले जो पसंद आएगा मैं ले लूंगी, तू बताना कितने खर्चा करो। मैंने बोला मम्मी मेरी एक बात सुनो, ये कार्ड लेके जाओ और आपको जितनी चीज समझ आ रही ना बोला वो सब लेके आ जाओ। तो बोले इसमें पैसे कितने वो तो बता। मैंने बोला आप वो छोड़ो, आपको जो चाहिए वो लेके आ जाओ। देखिए मेरे को ये पूरे इंसिडेंट सिर्फ एक चीज के लिए याद है, क्योंकि इसके बाद जो उन्होंने कहा ना, क्या तो लेंगे यार हम, इतना तूने बोल दिया यही काफी है, ये जो स्टेटमेंट था ना मेरे को ऐसा लगता है दिस इज व्हाट आई हैव अर्न्ड।
बाकी देखिए यार, पैसे है ना, किसी के पास कुछ प्लस होंगे, किसी के पास कुछ माइनस होंगे, डजंट मैटर, मेरे बात समझ तू। शायद किसी के पास कुछ प्लस होंगे, मैथमेटिकल गेम है, किसी के पास कुछ प्लस होंगे, किसी के पास कुछ माइनस होंगे, लेकिन ये जो चीज है ना, ऑफ अ प्राउड दैट योर मॉम एंड डैड आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लाइफ में। एंड इसके बाद क्या हुआ पता है, मेरी मम्मी पापा एक घंटा घूमे, उनको घंटा कुछ समझ नहीं आया उस मॉल में, ठीक है। मेरी मम्मी घुसी उधर, वो जारा का शोरूम था, उधर जूते देखे, जूते 6,500 रुपए के, इमेजिन अपने मम्मी एंड पापा, 6,500 का जूता। मेरे को आकर के बोलते, मैं कॉफी पी रहा था, कॉफी है क्या, ला बता कितने की है। कॉफी उधर थी 350 की। अपने मम्मी पापा है, समझना मेरी बात को, दे हैव ऑलवेज सीन थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, उनको ये प्राइस टैग्स नहीं समझ आते। तो बोले तू भी शॉपिंग के लिए इधर ही आता है, बोले मैं बोला हाँ मतलब अच्छा। मैं बोला आप लोगों ने क्या लिया, बोले कुछ नहीं, क्यों आपको चप्पल लेनी थी ना, पागल है 3,500 रुपए की चप्पल बोलते हो, दैट वाज स्केचर। स्केचर का सादा चप्पल भी यार उतने का ही आता। मैंने बोला कौन सी चप्पल है बताओ, मैं क्या बोला हाँ तो ले लो ना, इसमें तकलीफ क्या, पागल है पप्पा पीछे से बहुत पैसे आ गए रे, यू नो हाउ डैड दे टॉक, और लड़कों से तो और ही थोड़े से अलग बात करते हैं पप्पा वगैरह, बहुत पैसे आए क्या तेरे पास, हाँ ज्यादा पैसे आ गए, 3,500 की चप्पल पहनना है तुम्हारा, कुछ नहीं पहना रखो, लेकर के निकल गए। एंड में उनने लिया है वो FC रोड वाले, मेरा बात समझ, हाँ ये सही जगह है, वाजिब प्राइस है, क्वालिटी गई तेल लेने के लिए, मेरा बात समझना बराबर है। अब इनके मैटर क्या है, इनको इनके लिए लेना है, इनकी बहन के लिए लेना है, इनके इनके सब वो रिश्तेदारों के लिए लेना है, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक है, ये जो चीज है ना कि तुम ये कर रहे हो, दैट इज द सोल गेम। तो इन प्रोसेस से ना इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत होंगे, और बहुत जगह तुमको ऐसा लगेगा कि साला छोड़ो यार, खत्म करो, बट मेरे भाई एक बात याद रख, ये लास्ट स्टेज है किसी भी प्रोसेस का, बिलीव मी, इसके बाद तू कुछ नहीं करेगा, इसके बाद तू सिर्फ साइन मारने वाला है। ये जितनी पढ़ाई है ना, ये सब अभी है, इसके बाद तेरे को भी पता है रियल लाइफ में क्या काम करता है, है ना। मैं हर बैच में बोलता हूँ, आपके बैच में भी बोलूंगा, अ गुड CA इज नॉट वन हु नोज द लॉ, अ गुड CA इज वन हु नोज द EO। आपको सिर्फ पता होना चाहिए सॉल्यूशन कैसे निकलने वाला है, बाकी सब काम होते हैं, बाकी सब काम होते हैं। तो सर इतना कुछ है करने के लिए, आपने कभी भी ना, आई डोंट नो अबाउट द अदर प्रोफेशन, बट मैं आपको एक बात बताऊं, CA CSCMA को आपने कभी खाली बैठे नहीं देखा होगा, काम इतना है मार्केट में, इतना काम है। तुमने कभी ऑब्जर्व किया तुम्हारे ऑफिस में टेक्निकली फाइल लेना बंद हो चुकी है, नहीं लेते तुम्हारे ऑफिस में कोई नया फाइल, अनलेस एंड अंटिल इट्स अ बिगी, फाइल ही नहीं लेते छोटे मोटे का, तो फाइल ही नहीं लेते, काम ही नहीं करते, वो भी अकाउंटेंट को पकड़ा देते हैं तुम ही कर लो, टाइम ही नहीं है, काम बहुत है, राइट। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी दोस्त, करना पड़ेगा, बट दैट्स हाउ प्रोसेस वर्क। तू ये नहीं बोल सकता कि मैं थक गया, मैं आपको बताता हूँ सर, रात में 8 बजे करीब नोटबंदी डिक्लेयर हुई थी, मैं भी ये बोल सकता था कि यू नो खत्म, अपना टाइम खत्म, शटर डाउन, पर उस टाइम पे दो तरीके के लोग थे, एक जिनको लगा नोटबंदी हो गई होगी, दूसरे तरीके के थे अपॉर्चुनिट्स, इससे भी पैसा बनेगा, समझ में आ रही बात। और अपन ठहरे मारवाड़ी, अपन तो क्या करते, अपन तो ये बोलते कोई गाली भी दे रहा है तो कुछ दे के जा रहा है, लेके तो नहीं जा रहा। समझ में आ रही बात। अपन उस टाइम निकले, 8 तारीख को कुछ नोटबंदी डिक्लेयर हुई थी साहब, 25 तारीख को मैंने मेरा घर लिया। आगे नहीं पूछना क्या हुआ। 8 तारीख को नोटबंदी डिक्लेयर हुई थी, 25 तारीख को मैंने मेरा घर लिया। बात बड़ी सिंपल थी, दिमाग में एक ही चीज थी कि अपन यहाँ पे आए सिर्फ एक ही चीज के लिए है, पहले दम लगा के क्या किया, पढ़ाई करी ना, अब दम लगा के छापने का, लॉजिक बड़े क्लियर है, समझ में आई बात। अभी तुम्हारा टाइम है दम लगा करके मेहनत करने का, एक टाइम आएगा दम लगा के छापोगे, भी सीजन आएगा मालूम, सीजन परेशान हो जाओगे। एंड मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, 6 साल बहुत हो गए, 6 साल बाद ना तुम खुद परेशान हो जाओगे कि पैसे का करो क्या, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, 6 से 7 साल बहुत हो गए, तुम खुद परेशान हो जाएंगे पैसे करूँ क्या, क्योंकि मेरी जितनी बेसिक जरूरत थी वो सब पूरी हो जाती 6 साल में। तुम सोच के देखो ना, तुम्हारी क्या इच्छा है, एक हाई एंड फोन होना, 1,50,000 एप्पल,
तुम सोच के देखो, 1,50,000 एप्पल का लैपटॉप भी होना, 2,00,000 रुपए और पकड़ लो, सारी एक्सेसरीज के साथ तुमने केबल भी परचेज कर लिया, 2,00,000। सोच के देखो, तुम्हारा टोटल 2,00,000 + 1,50,000, एक कैलकुलेट करो, जब इतनी बातें हुई रही तो 3,50,000 रुपए। और क्या चाहिए तुमको? ठीक है, शूज चाहिए 40,000 रुपए, 40,000 रुपए शूज, 50,000 पकड़ो, ठीक है, 50,000 की चप्पलें, 1,00,000 और, ठीक है, 2,00,000 के और सूट पकड़ो, तुमने सूट लिए, अच्छे कपड़े लिए, 2,00,000 बहुत हो गए, 3,00,000 पकड़ लो, चलो कितने हो गए, करो कैलकुलेट फटाफट, कितने हो गए, 5, ठीक है, परफ्यूम ले लिए 1,00,000 के, 1,00,000 के परफ्यूम। सुनो ना मेरी बात, अभी तुमको ये अजीब लग रहा है, बिलीव मी, मैं सब हाई एंड पे पकड़ रहा हूं, मैं सब हाई एंड पे पकड़ रहा हूं, मैं ये पकड़ रहा हूं, तुम शानाल का परफ्यूम यूज कर रहे हो, ठीक है, तुम गुची का परफ्यूम यूज करो, सब पकड़ो, ठीक है, 1,00,000 और पकड़ लो, कितने हो गए, 6,00,000। और क्या चाहिए तुमको? एक स्पोर्ट्स बाइक 4,00,000 ऐड कर लो, एक गाड़ी चाहिए BMW 50,00,000 ऐड कर लो, बराबर 50,00,000 तो एक साथ लगने नहीं वाले, मैक्स टू मैक्स 2,00,000 लगेंगे एक साथ, बाद में EMI में जो पे करोगे वो, ठीक है, 2,00,000 पकड़ो उसके भी, गाड़ी के भी, 4,00,000 की गाड़ी तुमने ले ली, हो कितने तक के पहुंचा मैटर, 10 या 12। हाँ, और क्या चाहिए? घर, घर के लिए 5,00,000 पकड़ लो, बाद में जो EMI में जाएगा वो अलग, 5,00,000 पकड़ लो, फिर एक फॉरेन टूर, शादी से एक पहले 2,00,000, शादी के बाद 2,20,000। नहीं समझे तो पोगो, ठीक है, 2,00,000 पकड़ लो फॉरेन टूर, बराबर 15,00,000 स्टार्टिंग पैकेज, 7, कितने साल में पूरे हो रहे सपने, 2, ठीक है, और ये 7,00,000 तो तब है जब तुमने कोई इधर उधर कोई दूसरा हाथ नहीं मारा, चुपचाप 9 बजे ऑफिस गए, शाम में 7 बजे आए, और अगर तुम में खुराफाती दिमाग है, 7 को 7 खींच के आते हैं, एक खादी BW का ट्रांजैक्शन करने का, ब्लैक एंड व्हाइट का, सब बिल्कुल बाकायदा पूरा सब आ जाता एक साथ, कितने साल लगे, 2 साल, 2 साल को 3 साल भी कर डालो, और भी कुछ खर्चे होंगे तुम्हारे, भाई मेरे को पार्टी करने का, कभी जीवन में जाने को मौका नहीं मिला, सब पार्टी क्लब में जाऊंगा, 20,000 पर डे के हिसाब से, पुणे के 10 क्लब पकड़ लेने का, 20,000 पर डे का बिल के हिसाब से भी अगर तुमने कर दिया 10 क्लब का, तो भी 2,00,000 होते, 3 साल बहुत हो गए तुम्हारी जितनी बेसिक इच्छा है सब खत्म करने के लिए, 4 साल पकड़ लो, अबे 7,00,000 का तो बेसिक पैकेज है, अगले 4 साल में 10% का भी इंक्रीमेंट मांगे तो तेरी इच्छा खत्म हो जाती, समझ आ रही है बात? इसलिए मैंने बोला 10 साल, मतलब 6-7 साल तो बहुत हो गए, उसके बाद तुम सोचोगे अबे पैसे आ रहे करूं क्या, फिर क्या, फिर क्या करता आदमी, म्यूचुअल फंड ले ले, पॉलिसी ले ले, करोगे क्या पैसे का भी एक एंड के बाद, कुछ नहीं ना, और फिर तुम्हारे क्या बन रहे, इनकम तो आ रही, खर्चा, उसके बाद तुम इतने बिजी हो जाते कि पैसा तो है खर्चू किस पे भी, समझ आ रही बात, ये होगा, बिलीव मी ये होगा, थोड़ी सी मेहनत अभी लगेगी, बड़ी हो जाएगा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कैन, ये समय भी है, कैसा होगा बेटा, गुजर जाएगा, अभी मेहनत कर लो, तुम हाईज में हो तो वापस आ जाओ, लोज में भी हो डोंट वरी, ये समय है, क्या होगा बेटा, गुजर जाएगा, क्लियर, चलो आओ मेरे बच्चे, हाँ, 149 डन, 148 डन, 148 के आगे बढ़ते हैं, 147, आजा बेटा, अच्छा पहले 148 बी खत्म कर लेते, नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट रीकंप्यूटेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी पास्ड बिलो द रैंक ऑफ जेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर टू विच क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4 ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 148 अप्लाई एक्सप्लेनेशन 2 में क्या क्या कवर था बोल बेटा सर्च सर्वे आहा एक्सप्लेनेशन 2 बोल रहे हो हां बोलो सर्च सर्वे है तुम्हारा मिला किसी और के यहां बिलोंग्स टू असेसी फाउंड समवेयर एल्स कहना क्या चाहते हैं सर्च सीजर सर्वे वाले जो 147 के असेसमेंट होंगे उनमें ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कौन पास करेगा जेसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी यस लिखिए सेक्शन 148 बी सेक्शन 148 बी
Yes. In case of search, survey or AO found assets or document somewhere else belong to assessee, the order of assessment / reassessment shall be passed by JC only. Samjha kya? Simplified 148B. आ जाओ बेटा, अब आते हैं 147 के ऊपर. 147 पेज नंबर 4.6 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. इफ एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ए मेरे लाला वर्ड कहां से चालू हो रहे हैं, एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स. याद आ रहा है कल इससे रिलेटेड मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एग्जम्प्ट इनकम का 147 होता नहीं, सेक्शन ही यहीं से चालू हो रहा है, एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स. An exempt income are not chargeable to tax. समझ आ रही बात, इसीलिए वर्ड यहां से चालू हो रहा. If any income chargeable to tax in year of assessee has escaped assessment and AO may subject to the provision of 148 to 153. समझ में आ रहा है, 148 में आने से पहले सब निपटा के आना पड़ता. Assess or reassess. First time assessment 147 में possible है, reassessment 147 में possible है. Such income बड़ा वर्ड है. सच इनकम मतलब वो जिसके बेसिस पे 148 इशू हुआ था. एक्सप्लेनेशन वन वाले आइटम, एक्सप्लेनेशन टू वाले आइटम, बराबर है, वो जिसके बेसिस पे 147 इशू हुआ था. एक मिनट, 147 इशू हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जवाब देना है या ना, ठीक है. 147 हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑन एक्सपेंसेस ए. जब एक्सपेंसेस ए चेक कर रहे थे तो डी ई एफ भी गलत निकला, उसको भी 147 में खींच लू भले ही नोटिस नहीं दिया, उसको भी 147 में खींच लू भले ही नोटिस नहीं दिया. यस, असेस सच इनकम और रिकम्प्यूट द लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस और एनी अदर अलाउंस फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट द एओ मे असेस और रीअसेस इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट एंड सच इशू विच कम्स टू हिज नोटिस subsequently irrespective of the fact that provision of 148A has not been complied with. Ek bar 148 open hua, koi aur matter jo aapko baad mein mila wo bhi include kar dena, bhale uske liye OOBH do ya mat do. Clear hai malik? Likhiye section 147. AO shall after compliance of section 148 to 153 compute total income or loss of assessee. AO shall have right to consider the matter covered under section 148 and also other matter which comes to his notice subsequently. बेटा लो जी आपका 147 भी ओवर हुआ,
147 ओवर होने के बाद आपको नहीं लगता आपका टैक्स कंप्यूट होगा? मतलब अल्टीमेटली एओ अब कहां स्टेज तक पहुंच गया होगा सारी इन्फॉर्मेशन कंसिडर करने के बाद, या तो आपकी टोटल इनकम या टोटल लॉस निकल गया होगा। 99% टोटल इनकम निकलता है 147 में। टोटल इनकम निकला मतलब वो टैक्स निकालेगा। टैक्स कौन से रेट के हिसाब से निकालेगा? करंट ईयर या जिस साल का रेट गया उस साल का। चला बेटा ये चीज तेरे को 152 में लिखी है, इधर आ जा। ये ले 152 मिसलेनियस प्रोविजन, रीड कर क्या है। इन असेसमेंट मेड, री असेसमेंट मेड अंडर सेक्शन 147, टैक्स शैल बी चार्जेबल एट द रेट एट विच इट वुड हैव बीन चार्ज हैज इनकम नॉट एस्केप असेसमेंट। अगर ये इनकम उसी साल टैक्स हो जाती तो क्या टैक्स लगते? वही टैक्स रेट आपको आज लगेंगे। यस और नो? यस। अच्छा इधर देखिए इसके नीचे, फॉर अ रिटर्न फाइल्ड अंडर 148 द नोटिस अंडर 143(2) मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस, द नोटिस अंडर 143(2) मस्ट बी सर्व्ड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, अदरवाइज असेसमेंट और री असेसमेंट शैल बी वॉइड। अब समझा मैंने क्या बोला था, जैसे ही आप इधर से रिटर्न भरोगे पूरी चक्री वापस शुरू। The object of this section is to increase the revenue collection, hence the tax liability of an assessee cannot be reduced further in the proceeding under this section. Jao, register mein likho section 152. 152. The tax rate applicable on income escaped assessment. The tax rate applicable on income escaped assessment. Shall be the rate applicable for that assessment year. Shall be the rate applicable to that assessment year. Is that done? चलिए आइए पूरा 152 तक क्या गया आप, अब 153। ये पूरे असेसमेंट को खत्म करने का टाइम लिमिट क्या होना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। जरा ये देख, देयर इज अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट असेसमेंट। पूरे असेसमेंट को खत्म करने का टाइम लिमिट 153 में लिखा है। कम टू द टेबल ऑफ 4.9, कम टू द टेबल 4.9। 4.9 में आपको एक कंप्लीट टेबल दिया है कौन से असेसमेंट को खत्म करने का टाइम लिमिट कितना है। यस तू अगर याद करके देख, 153(1) के तहत टाइम लिमिट कितना था, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यस 147 को खत्म करने का टाइम लिमिट 153(2) में लिखा है, एंड दैट इज 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 वॉज सर्व्ड। नोटिस अंडर 148 वॉज सर्व्ड, तो इसको टाइम लिमिट कितना बेटा, 12 months। रजिस्टर में जाओ लिखो सेक्शन 153(2) टाइम लिमिट टू कंप्लीट असेसमेंट, टाइम लिमिट टू कंप्लीट असेसमेंट नया एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, टू कंप्लीट असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। ऐसे होता है ना पार्लियामेंट में बजाते, 12 months from the end of financial year, 12 months from the end of financial year in which notice under 148 was served, Dhanay ji, okay, अच्छा ध्यान से सुनिए। अपडेटेड रिटर्न अब सबमिट हो सकता है विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अपडेटेड रिटर्न अगर सबमिट होगा तो असेसमेंट भी अपडेटेड रिटर्न के बेसिस पे होगी। इसका टाइम लिमिट कब है, नया अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट ऑफ दिस चैप्टर। अपडेटेड रिटर्न के बेसिस पे असेसमेंट कब कंप्लीट होगी? यस, अपडेटेड रिटर्न के बेसिस पे असेसमेंट कब कंप्लीट होगी? मैं चाहता हूं ये वाला पार्ट आप जानबूझ के वापस अपडेटेड में लिखें, जहां आपने अपडेटेड लिखा था, आपने जहां अपडेटेड रिटर्न लिखा था वहां जाइए, जहां आपने अपडेटेड रिटर्न लिखा था वहां जाइए, वहां पे ऊपर अगर स्पेस खाली है तो वहां लिखिए सेक्शन 153(1A)
वहां कहीं जगह खाली नहीं, तो ऊपर एकदम ऊपर मार्जिन में जगह खाली होगी, वहां लिख सकते हो सेक्शन 153(1)(a) टाइम लिमिट टू कंप्लीट असेसमेंट इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न। टाइम लिमिट टू कंप्लीट असेसमेंट इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न। नाइन मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नाइन मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इन विच अपडेटेड रिटर्न इज फर्निश्ड, नाइन मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच अपडेटेड रिटर्न इज फर्निश्ड। तो जिस साल अपडेटेड रिटर्न फर्निश हुआ उस फाइनेंशियल ईयर एंड से नाइन मंथ्स के अंदर में उसका असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस, चलो जी आ जाओ। आप देखेंगे 147 की 153 की सीरीज। चलो रिकॉल करो मेरे साथ, 151 क्या था? पहले तीन साल, बियॉन्ड थ्री इयर्स, 149 टाइम लिमिट टू सेंड द नोटिस, कितना जनरली 3 years, असेट या एक्सपेंडिचर 50 लाख से ऊपर है तो 10 years, 150 के तहत कोई टाइम लिमिट नहीं है, 148A क्या देगा? OOBH, 148 क्या सेंड करने बोलेगा? नोटिस, नोटिस क्या करने बोलेगी? रिटर्न फाइल कर, यस, रिटर्न फाइल करने के बाद क्या होगा उसके ऊपर? असेसमेंट, असेसमेंट करने के बाद आप क्या निकालोगे? टैक्स, याद आ रहेगा मालिक आपको, और ये सारा असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, गलत बोल रहा हूं मैं, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज सर्व्ड। 148B कहता है कि अगर सर्च सीजर सर्वे वाला मैटर होगा तो असेसमेंट ऑर्डर सिर्फ JC पास करेगा। समझ में आया क्या? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का पूरा सीरीज 9 सेक्शन एक साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा लिखा क्या है। समझ में आ रहा है? 9 सेक्शन एक साथ पढ़ोगे तो समझ में आता है जीवन में लिखा क्या है यहां पे। और अभी खत्म नहीं हुआ है, और अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए मेरे साथ 142B पेज नंबर 4.12, 142B। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, आपके शहर में खास आप ही के लिए अभी असेसमेंट फेसलेस हो चुका है। अभी असेसमेंट क्या हो चुका है? फेसलेस। तो सेक्शन 142B पावर देता है सिर्फ कि अभी असेसमेंट कैसा होगा? फेसलेस। सिर्फ रजिस्टर में जाइए, नीचे सेक्शन लिखिए, सेक्शन 142B। रजिस्टर में जाइए, सेक्शन लिखिए, सेक्शन 142B, वहां जाकर के लिखो असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147। शैल बी डन थ्रू फेसलेस असेसमेंट, शैल बी डन थ्रू फेसलेस असेसमेंट स्कीम, शैल बी डन थ्रू फेसलेस असेसमेंट स्कीम। यस सुनो, चलिए अच्छा, इनफैक्ट वैल्यूएशन वगैरह भी अब सब कैसे होंगे? फेसलेस। वैल्यूएशन वगैरह अब सब कैसे होंगे? फेसलेस। बिलीव मी, ये जितना प्रोसेस आपने देखा 143, 144, 147, अब सब क्या हो चुका है? फेसलेस। हालांकि आपको दिया दोनों भी चीजें गई है। आइए, एक नया सेक्शन आया है सेक्शन 156A, फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ दिस चैप्टर। एक नया अमेंडमेंट आया है सेक्शन 156 ए, फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ दिस चैप्टर। एक मिनट सुनो ना, पहले तीन क्या थे वो याद कराओ। हाँ, एक्सपेंडिचर इवेंट एंड ऑकेजन ऐड किया गया था। हाँ नहीं नहीं वो तो एक ही पार्ट में आ गया, 148B सर्च सर्वे में सिर्फ JC करेगा। तीसरा
एक्सप्लेनेशन वन में एडिशन हुए हैं, ये चौथा चौथा अमेंडमेंट, नहीं, ये पांचवा होगा, चौथा तो फिर अपडेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट आया है, पांचवा मोडिफिकेशन, क्या चीज बेटा, मोडिफिकेशन एंड रिविजन ऑफ नोटिस इन सर्टन केसेस, यस। अच्छा देखिए होता क्या है, यस, अभी जब भी असेसमेंट हुआ, असेसमेंट के बाद क्या होता है, एओ नोटिस ऑफ डिमांड रेस कर देता, से यस, एओ क्या कर देता बेटा, नोटिस ऑफ डिमांड रेस कर देता। अब कई बार क्या होता है कि एओ इधर असेसमेंट कर रहा है, उधर असेसी पहुंच गया आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत क्या किया जाता है, आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। अब लाइबिलिटी रिड्यूस किया तो देर वॉज नो पावर की वापस से नोटिस ऑफ डिमांड इशू करो, क्योंकि उनने लाइबिलिटी अगर रिड्यूस किया तो फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड इशू करने पड़ेगी, क्योंकि लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो ऐसा कोई पावर ही नहीं था कि फ्रेश लाइबिलिटी ऑफ डिमांड वापस से क्या किया जाए, इशू किया जाए, ये पावर ही नहीं था। तो सेक्शन 156A लाया और ला करके बोला कि अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के कारण आपका क्या होता है, नोटिस ऑफ यू नो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में आपकी लायबिलिटी अगर रिड्यूस हो जाती है तो एओ अकॉर्डिंगली फ्रेश नोटिस इशू करेगा, बस इतनी सी बात लिखी है सेक्शन 156A में। तो 156 टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ डिमांड, यहां पे बोल रहा है कि अगर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत अगर आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस किया गया इफ एनी, तो आपको अकॉर्डिंगली फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड इशू करना है, खत्म काम, सेक्शन में अमेंडमेंट खत्म। इधर सुनना, वेयर एनी notice of demand has been issued under section 156 is reduced as a result of order under the insolvency and bankruptcy code, AO shall modify the demand payable in conformity with such order and shall thereafter serve an assessee a notice of demand. तो एक नया notice of demand serve कर दिया जाएगा। Where the above order is modified by NCALT or the Supreme Court, the modified notice of demand shall be issued by AO and it will be done revised accordingly. ठीक उसी तरीके से रिवाइज अकॉर्डिंगली होगा। रजिस्टर में जाओ, सेक्शन लिखो, सेक्शन 156A अमेंडमेंट। सेक्शन 156A अमेंडमेंट लिखिए, मोडिफिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, मोडिफिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड Yes, शॉर्ट कीजिए इसको, AO shall issue notice of demand, AO shall issue modified notice of demand, AO shall issue modified notice of demand where his liability is reduced, where his liability is reduced अंडर आईबीसी, आईबीसी समझेगा, नहीं समझेगा तो पूरा लिख देना, अंडर आईबीसी ऑब्लिक एनसीएलटी ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। टेक्निकली यहां पे आपका असेसमेंट खत्म होता है एज पर मॉड्यूल, मेरे हिसाब से तीन सेक्शन और इसी चैप्टर में पढ़ लेने चाहिए, तब जाके आपका चैप्टर ओवर होगा। पहला सेक्शन आता है 158AA, इसको हम कहते हैं रिपीटेटिव अपील नाम का सेक्शन, इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, रिपीटेटिव अपील। अब देखिए ये थोड़ा सा समझदारी वाला पॉइंट है, 158AA, यस, 158AB, ऐसे दो सेक्शन है। 158AA यहां आया है अमेंडमेंट, सिक्स्थ अमेंडमेंट ऑफ दिस टॉपिक, राइट। सेक्शन क्या कहता था मैं आपको बताता हूं, देखिए सेक्शन ऐसा कहता था, सेक्शन ऐसा कहता था कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर असेसी है, सुनना इधर और समझना इसको, मान लो कोई असेसी है, इस असेसी के ऊपर एओ ने क्या किया, असेसमेंट कर दिया, असेसमेंट कोई भी सेक्शन का हो सकता है, 143(3) या 144 या 147, कोई भी असेसमेंट किया, असेसमेंट करने के बाद उसने क्या किया, लाइबिलिटी लाई, इस लाइबिलिटी को असेसी ने क्या किया, ऑब्जेक्ट कर दिया, Yes, इस ऑब्जेक्ट के खिलाफ उसने क्या फाइल कर दिया, अपील फाइल कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के खिलाफ उसने क्या फाइल कर दिया, अपील। दिस वॉज ईयर 21-22। अब 22-23 में आप सोच के देखिए, ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो है इसका सिचुएशन कुछ बदल जाएगा क्या, नहीं, इस ईयर भी असेसी तो सेम एक्सपेंसेस करेगा ही,
यस असेसी तो सेम एक्सपेंसेस करेगा ही, सेम एक्सपेंसेस करेगा। एओ फिर उसको क्या करेगा, नोटिस भेजेगा और ये फिर अपील मारेगा। अब उसका एक अपील ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, फिर एक अपील आ जाएगा, फिर एक अपील आएगा, फिर एक अपील आएगा। इतने रिपीटेटिव अपील में आप सोच के देखिए, असेसी का भी टाइम वेस्ट होगा, डिपार्टमेंट का भी टाइम वेस्ट होगा, हाँ या ना? यस। तो एक सेक्शन लाया था इन रिपीटेटिव अपील्स को हटाने के लिए, सेक्शन 158A, सेक्शन 158AA। यस आ गए ना, ठीक है, राइट। सेक्शन 158A, सेक्शन 158AA। सेक्शन क्या बोलता है जरा ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन कहता है, बहुत प्यारी बात कहता है सेक्शन, सेक्शन कहता है 158A क्या बोलता है, 158A कहता है असेसी के पास पावर है, 158AA कहता है किसके पास पावर है बेटा, कमिश्नर के पास पावर है, ठीक है। ये क्या करेगा, नोटिस देगा किसको, डिपार्टमेंट को। ये नोटिस देगा किसको, असेसी को। और नोटिस दे करके बोलेगा यू जस्ट अवॉइड रिपीटेटिव अपील। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं, दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं कि अगर आप अग्री कर रहे हैं कि जो भी फाइनल डिसीजन आएगा, जो भी क्या आएगा बोलो बेटा, फाइनल डिसीजन आएगा, यू विल अप्लाई इन द केस, यू विल अप्लाई इन द केस, वी वोंट फाइल, बोलो बेटा, रिपीटेटिव अपील। आप मेरे से या तो ये पहल कौन कर ले, असेसी कर ले सेक्शन 158A के तहत, या तो ये पहल कौन कर ले, कमिश्नर, कमिश्नर कर ले। दोनों अल्टीमेटली बात एक ही कर रहे हैं कि अगर आप अग्री करते होंगे कि इसका जो भी फाइनल डिसीजन आएगा हम अप्लाई करेंगे, यस, तो मैं क्या करने वाला हूं, अवॉइड करूंगा रिपीटेटिव अपील। इससे आपका टाइम, समय और पैसा तीनों बचेगा, मेरा टाइम, समय और पैसा बचेगा। रिपीटेटिव अपील अवॉइड कीजिए जो भी फाइनल डिसीजन आएगा। अब इस फाइनल डिसीजन के पहले क्या होता है वो समझिए, क्योंकि आपका दिमाग यहां खटकेगा। हर साल क्या किया जाएगा, हर साल असेसी एक्सपेंडिचर बुक करेगा, एओ डिसअलाउ करेगा, लेकिन रिपीटेटिव अपील नहीं करेंगे, होता यही रहेगा। किसी कयामत की रात को जब फाइनल डिसीजन आएगा, किसी कयामत की रात को जब फाइनल डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन के बाद अपना ऑर्डर क्या कर दिया जाएगा, रिवाइज या रेक्टिफाई एज द केस में भी। समझ में आ रही बात, बेस्ड ऑन दिस अग्रीमेंट। मतलब हर साल दोनों अपना अपना काम करते रहेंगे, लेकिन दोनों ने टाइम बचाया और पैसा बचाया, एनर्जी बचाई। समझ में आई बात। तो 158A, 158AA, बस इतनी सी बात कर रहे थे कि भैया यहां असेसी नोटिस देता है डिपार्टमेंट को, सेक्शन 158AA में सीआईटी किसको बोलता है, असेसी को बोलता है कि भैया तेरा केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है कहां, सुप्रीम कोर्ट में, आइडेंटिकल केस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। अगर तू अग्री करता होगा जो भी फाइनल डिसीजन आएगा वो हम अप्लाई करेंगे, तो आज ही हम रिपीटेटिव अपील क्या कर लेते, अवॉइड। बस इतना सा सेक्शन है। वेयर द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन केस ऑफ असेसी इज आइडेंटिकल विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन हिज केस, किसी और का नहीं, उसी के केस में, किसी और का केस हम अप्लाई नहीं करेंगे, उसी का केस अप्लाई करेंगे। इन हिज केस फॉर अनादर असेसमेंट ईयर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ही मे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द एओ टू अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी डायरेक्ट द एओ टू मेक एप्लीकेशन इन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर एंड मे बी फाइल वेन द क्वेश्चन ऑफ लॉ बिकेम्स फाइनल इन अदर केस। हालांकि अब ऐसा कोई डायरेक्शन इशू नहीं होगा आफ्टर 1 अप्रैल 2022। इसका मतलब ये लास्ट ईयर है, ऐसा पावर कोई कमिश्नर दे सकता है, ऐसा रिक्वेस्ट कोई कमिश्नर कर सकता है। इस साल से ये सेक्शन को बंद किया जा रहा है, क्योंकि जिसको जो रिपीटेटिव अपील करनी है वो करता ही है, इस सेक्शन का कोई इस्तेमाल करता नहीं, क्योंकि किसी को किसी पर भरोसा रहा नहीं। इस सेक्शन को किया जा रहा है बंद, ये लास्ट ईयर था। समझ में आया, अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट यही है कि सेक्शन जा रहा है अमेंडमेंट यही है कि ये सेक्शन क्या कर रहा है बेटा, जा रहा है, ठीक है बेटा। सो आज हम रुकेंगे हम यहीं पे। इस पूरे पार्ट में असेसमेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, इस पूरे पार्ट में हमारा एक चीज बाकी है और वो है फेसलेस असेसमेंट स्कीम। यस, अगले लेक्चर के अंदर में हम लोग फेसलेस असेसमेंट से सीधा घुस जाएंगे रेक्टिफिकेशन पे, और रेक्टिफिकेशन भी खत्म कर देंगे। अब मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, राइट। अगले 3 दिन आप सभी को मैं ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुका हूं, आई एम नॉट देयर, राइट। तो अगले 3 दिन इट्स गुड टाइम कि आप असेसमेंट से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस खत्म कर दें।
यस कहीं कोई डाउट होगा मैं हूं, और मैं भी आकर के कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, पर एक बार का आप पूरा पढ़ ले क्योंकि असेसमेंट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 दिन बाद आकर के हम लोग वापस से रिपीट कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे प्लेलिस्ट में अगला वीडियो चालू कर लीजिए। यस जो यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ, 27th आई विल बी देयर। हमने ऑलरेडी संडे को एक्स्ट्रा ले लिया था और आने वाले टाइम में हम और एक्स्ट्रा लेकर के ये पार्ट को कवर करके खत्म करेंगे। इज दैट डन मालिक? थैंक यू सो मच, बाय बोलो बच्चों।